तो TCRPL के अंदर आप लोगों को पहले तो ये चीज याद रखना है कि टोटल ब्रेकअप इस तरह का है। पहले चैप्टर 7 आपको नियरली तक 30 मार्क का आपको आएगा ही आएगा, दैट इज एग्जाम में पक्का आने वाला है 30 मार्क्स का। एंटी करप्शन 10 मार्क्स का है और कंज्यूमर का ये पूरा 11, 12, 13, 14 है, ये कुछ मिला के 20 मार्क्स का एक्सपेक्टेशन। कंपटीशन पुराने सिलेबस में वो सिलेबस वाले सब लोग तो पूछ कैसे रही उसके ऊपर होता मैं एक आप लोगों है। एग्जैक्टली, तूने उन लोगों से पूछा जो पुराने सिलेबस में थे। अभी ये सिलेबस वालों को तो एक ही एग्जाम हुआ है, पांच तो कंपटीशन लॉ कितने मार्क्स का प्लस आप मार्क तो कॉम्पिटिशन लॉ 5, 6 मार्क का आएगा, पूरा मिला के 20 मार्क। एक्सपेक्ट कैंसर कर सकते हो। कभी कभी पिछले बैच में क्या करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अकेला 30 मार्क का कुछ पूरा एक फर्स्ट क्वेश्चन नंबर केस स्टडी था कंज्यूमर प्रोटेक्शन अकेला। ओके, तो ये डिपेंड करता है, हम कह नहीं सकते। रेरा के अंदर भी ये ट्रेंड देखा गया कि कभी कभी 6 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, कभी 8 मार्क का भी क्वेश्चन आ चुका है, और लीगल नेटवर्क की असेंशियल देखते एक भी नहीं है, तो उसका भी एरिया रेरा में चला। इसलिए ये करना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये हर बार अपने अपने चेंज होता रहेगा। वी कैन नॉट हैव अ स्टेट पास थंब ये है, पर हाँ ये बोल सकता हूँ एनालिसिस ऑफ पास सो मेनी इयर्स पेपर्स कि आपको पेमा का पार्ट 30 मार्क का क्वेश्चन में दिखेगा, जो इस बार के पेपर में भी था। हाँ, ऊपर किस तरह। लेक्चर ओके, लेक्चर ऑनलाइन का ऑनलाइन लिंक दे जाएगा मैडम ने भिजवाया था, जो पहले बताएंगे पिछले बार सभी के लिए थोड़ी, जो कल का लिंक उसमें कल का लिंक। ये बैठे हैं देखो सब। ओके, एंड एंटी करप्शन 10 मार्क आप समझ लो आ सकता है, आराम से आता है। पीएमएलए बिना भी 10 मार्क के अंदर हो गया है, एंड आईपीआर डेडिकेटेड 40 मार्क्स का पेपर रहेगा। ओके, आईपीआर आपका डेडिकेटेड ही 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, तो आईपीआर में कुछ भी छोड़ने का नहीं है। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल सारे क्वेश्चन सारे कंटेक्ट सब कुछ अच्छे से देख के जाना, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर का अगर पेपर भी है वो भी देख के जाना। ओके, अब आता हूं कि इन चैप्टर्स में से एक्चुअली आपको करना क्या है, और डेफिनेटली आपके इसी आपके डाउट आते जाएंगे वो भी सॉर्ट आउट होंगे। ओके, सो इस केस में कमिंग टू दिस पॉइंट, हम लोग देखते हैं कि फॉरेन लॉज और इन सब के अंदर क्या क्या स्टडीज आपको करते जानी, एंड यस रिमेंबर करने का चीजों के। ओके, सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 पेमा के ऊपर। ओके, इस बार पेमा के हिसाब से ये चीज का ध्यान, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ पेमा एक्ट। बार पेमा एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, पेमा एक्ट का स्कोप क्या है। ओके, इस बात को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ओवरऑल आपको पेमा एक्ट पता होगा, पेमा का पूरा एनेक्टमेंट ये होता है कि फॉरेन एक्सचेंज से आने वाले पैसे को कैसे गवर्न करते हैं, किस नेचर में गवर्न करते हैं और क्या क्या चीजें गवर्न करते हैं। ओके, तो इस बार ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना, दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पेमा। क्लियर, देख सकते तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का आपको मार्किंग दे रहा हूँ प्लीज उसको मार्क करके रखो, वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसका 1 सेकंड अभी 1 मिनट से वही नहीं सर जनरल क्लियर, स्टार्ट करो। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बराबर
यस ऑथराइज पर्सन का डेफिनेशन एरिया ऑथराइज पर्सन कौन होता है, ऑथराइज पर्सन के बारे में क्या क्या चीजें। तो ऑथराइज पर्सन कौन था, मनी चेंजर्स, बैंकर्स, ये हमारे ऑथराइज पर्सन थे। ओके, ऑथराइज पर्सन बिल्स ऑफ एक्सचेंज डील कर सकते, एनआरओ अकाउंट, ऑथराइज पर्सन की ड्यूटी क्या होती है, प्लस ऑथराइज पर्सन के लिए रिवोकेशन क्या है, ये पूरा पार्ट आपको देखेंगे। ओके, ऑथराइज पर्सन कौन होता है, ऑथराइज पर्सन हमारे मनी चेंजर्स होते हैं, प्लस उनकी ड्यूटी क्या होती है, आरबीआई के हिसाब से ये लोग अलग अलग अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस क्या क्या उनकी ड्यूटीज है, आरबीआई की रिपोर्टिंग, आरबीआई की रिक्वायरमेंट्स। ओके, और इनके लाइसेंस को रिव्यू कर सकते हैं, बिल्कुल रिवोक कर सकते हैं, इसके सारे रिक्वायरमेंट्स अच्छे से देख के लेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ऑथराइज पर्सन में कोई डाउट किसी को, इट्स एक्चुअली सिंपल। ओके, इस बार इस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के पार्ट को पढ़ के जाना, दैट इज इंडिविजुअल्स और अदर देन इंडिविजुअल्स वाले पार्ट को। ओके, इस बार एक्सपेक्टेड है वो लोग कोई ऐसा सिचुएशनल आपको केस स्टडी दे सकते हैं कि सो एंड सो इंडिविजुअली तीन एग्जांपल देंगे और उसने बाहर जाके ये खर्चा किया, क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में उसे लिबरलाइज स्कीम के हिसाब से अप्रूवल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कैसा। तो इस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के ये वाले पार्ट को एंड इंक्लूडिंग अदर देन इंडिविजुअल्स वाले पार्ट, उसके रेमिटेंसेस क्या होंगे, ओके, उसके एप्लीकेबल क्या है, इसके ऊपर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं करंट अकाउंट। पहले के पेपर में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ चुके हैं, तो इसके वजह से वापस से डायरेक्ट डेफिनेशन ना पूछते हुए दे कैन गिव यू सिचुएशंस एंड दे आस्क यू कि करंट अकाउंट के अंदर लीगलाइज स्कीम्स के हिसाब से क्या इन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा या नहीं लेना। ओके, सो आप लोगों ने देखा हुआ इंडिविजुअल्स के लिए 2,50,000 डॉलर्स की लिमिट्स होती है, और ये अप्रूवल्स हम लोग किसके लिए लेते हैं, विजिट्स, गिफ्ट एंड डोनेशंस, इमिग्रेशन जो इंडिया के बाहर, बिजनेस ट्रिप है, सबके लिए 2,50,000 पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल में आप ज्यादा भी खर्चा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नेचर आपका कैसा है, और वहां से डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए। सो ऑल्सो स्टूडेंट्स लोन के लिए एक जो पर्सन अकाउंट नहीं लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल कैसा केस स्टडी पूछेंगे। जैसे शीला इंडिया के बाहर बीमारी के वजह से गई थी, उसका टोटल खर्चा इतना होने की उम्मीद है, एज अ फेमस कंसल्टेंट आप बताइए उसको कितना परमिटेड है कितना नहीं। तो फिर आपको ये पूरा लॉ लिखना पड़ेगा कि शीला को इंडिया के बाहर 2,50,000 अलाउड है, एक्सीडिंग लेना होगा तो उसे डॉक्टर का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा बैंक वालों को, और फिर जाके शीला 2,50,000 से ज्यादा लेके जा सकती है। ये रहा लॉ बाजू ये डायरेक्ट पूछेंगे हम लोग डायरेक्ट नहीं। क्लियर? सो इस तरह के केस स्टडी भी आ सकते हैं, जैसे कई पर्सन है जिसने इंडिया में प्रॉपर्टी बेची है और एजेंट को कमीशन दे के वो पैसा लेके जाना चाहते हैं, तो कितना कमीशन है, तो 25,000 का कमीशन था। ये वाला पार्ट भी आपने देखा होगा। So, मैंने आपको ये सब समझाया हुआ है, आप सबको पता भी है कि आप लोग कंसल्टेशन पे इतना खर्चा कर सकते हो, प्लस बॉडी कॉर्पोरेट्स कॉर्पोरेट्स वगैरह 1% और 3% एवरेज के हिसाब से, प्लस हम लोग कमीशन वगैरह पे इतना खर्चा कर सकते हैं, रीइंबर्समेंट्स खर्चे, तो ये सब चीजें जरूर देख के जान। ओके, हाँ, ये डेट एंड नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स के क्या इंस्ट्रूमेंट कवर होते हैं, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज कवर्ड इन द डेट एंड नॉन डेट। दिसंबर 23 में आ भी चुका है, फिर भी करके जाना, ये एक्सपेक्टेड है कि डेट रूल्स एंड नॉन डेट रूल्स में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कवर होते हैं। ओके, सो इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रांसेस, ये सब डेट एंड नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कवर होते हैं। और नॉन डेट में जैसे आप लोग डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स लेते हो, और अभी आपका कैपिटल मार्केट हो चुका है, तो आपको आरआईआई चाहिए, आईएनआरआई चाहिए, एआईएफ, ओके, म्यूचुअल फंड्स और इक्विटीज क्या होते हैं, अब ये सारी बातें क्लियरली समझ में आते हैं। ओके, उस टाइम पे मैंने बोला था एक बार कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ होगा तब आपको ये समझ में आएगा ये जुड़ता कैसे, कैसे शेयर इन्वेस्टमेंट आते हैं, और फॉरनर्स भी हमारे यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, एंड तो ये जनरल कंडीशन इंपॉर्टेंट है ना, जनरल कंडीशन एप्लीकेबल हुआ है।
सिर्फ एक चीज याद रखना जो इम्पोर्टेंट है वो मार्क कर रहा हूँ, लेकिन बाकी सब रीडजर्व करके जा रहा हूँ। ठीक, वो एक बार अच्छे से ग्लैंस रीड अच्छे से करके जाना। ऐसे जब आप किसी बुक की कहानी पढ़ रहे हो तो कुछ कहानी का पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ होता है कि समझ नहीं आता, तो बाकी सब रीड जरूर करके जाना। क्योंकि बाकी का रीड होगा तो आंसर स्पेसिफिक लिखने को होगा कि कुछ इधर से ले लिया, कुछ इधर से लेके बड़ा छोटा फिर आप कर सकते। ओके, इसमें इस बार ये टैक्स एंड रेमिटेंसेस रिक्वायरमेंट अंडर द डेट पार्ट दैट इज ऑन पेज 18। ओके, वो भी एक बार करके जाना। टैक्स एंड रेमिटेंसेस रिक्वायरमेंट, इसे प्रोसीड निकालते समय टैक्सेस के क्या क्या चीजें अपने को देखनी पड़ती है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट कमिंग। ओके, एंड इस बार रेमिटेंसेस ऑफ एसेट्स का ये पार्ट अच्छे से लिखिए कि इंडिया के बाहर अगर हमें हमारे एसेट्स रेमिट करने हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट। नो डाउट ये बड़ा टॉपिक है, ये पूरा नहीं आएगा एग्जाम में, इफेक्ट टॉपिक पूछेंगे। जैसे पहले रेमिटेंसेस के अंदर आप रेमिटेंसेस नॉट बाय एनआरआई पीआईओ पढ़ते थे। ओके, अगर आप एनआरआई पीआईओ नहीं हो तो आपने कोई सैलरी कमाई है, स्ट्रक्चर्ड इनकम है, या फिर अगर रिटायरमेंट बेनिफिट या सुपर एजुकेशन बेनिफिट, या इंडिया के अंदर स्टडीज के लिए आए थे, स्टडीज का पैसा लेके जाना चाहते हो, या आप कोई विडो विडोअर हो और आप अपने एसेट्स बेच के लेके जा रहे हो, सब बातें यहाँ पे कवर होंगी। अगर आप एनआरआई पीआईओ हो तो रेमिटेंसेस के प्रोसेस अलग हो जाते हैं। ओके, इसके अंदर अगर आप इंडिया के बाहर पैसा लेके जाना चाहते हो एस एनआरआई, तो ये आपका खुद का पैसा है, ये आपको इनहेरिटेंस में मिला है, या घर में पार्टीशन बंटवारा करके मिला है, ये कैसे मिला है, और 1 मिलियन US डॉलर से ज्यादा लेके एक साल में नहीं जा सकते। ओके, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। प्लस ये सारा पैसा लेके जाने समय आपको आरबीआई का अप्रूवल, आपने ओरिजिनली कहाँ से पैसा लिया था, कोई लोन बाकी नहीं है, ऑडिटर का सर्टिफिकेट, सब कुछ क्लियरेंस में है, वो सब सबमिट करके ही लेके जाना। उसी तरह ये आगे के पार्ट भी पढ़ लेना भाई। कंपनीज एंटिटीज का वाइंडिंग अप, अगर कंपनियों का क्लोजर हो रहा है, एग्जाम में इसमें से कोई भी एक शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड है इस बार, तो कोई भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है, वो भी डायरेक्टली आएगा। अच्छा डेफिनेटली आप 100-100 कंपनी का ऐसे नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली डिस्कस द रेमिटेंस ऑफ एसेट्स ऑन क्लोजर ऑफ कंपनी, डिस्कस द रेमिटेंस ऑफ एसेट ऑन क्लोजर ऑफ ब्रांच ऑफिस। ओके, तो ये एक्सपेक्टेड है। ओके, क्योंकि पिछले के ट्रेंड्स के हिसाब से दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो बहुत लाइकलीहुड में आ चुके, एग्जामिनर ने इसको बहुत छुपा छुपा के अवॉइड किया हुआ है, अब ये आने का चांसेस में आ चुके। ओके, सो रेमिटेंसेस ऑफ एसेट्स दैट इज किस तरीके से लिक्विडेशन होगी कंपनी के अंदर, तो ऑडिटर का सर्टिफिकेट क्या है, ऑडिटर की रिक्वायरमेंट्स देनी है, अगर आप कंपनी बंद कर रहे हो तो कंपनी क्यों बंद की, ऑडिटर्स कोई पैसा लेना नहीं है, सारी कंपनी का पैसा दे दिया है हमने, एंड फुल क्लियरेंस, और कोई लीगल इंपीडिमेंट इंजंक्शन वगैरह भी नहीं। सिमिलरली आप ब्रांच बंद भी करके पैसा लेके जा सकते, कितना, 1 मिलियन US डॉलर्स पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, याद रखना। तो आप रेमिटेबल अमाउंट इंडिया के बाहर लेके जा सकते हो, कंफर्मिंग दैट लाइबिलिटीज पूरी तरह पेड ऑफ है, कोई इनकम बाकी नहीं है, स्टैट्यूटरी लिमिट्स आप फॉलो कर रहे हो, और आरओसी के हिसाब से आपने पेपर भी ले लिया है। ओके, इन शॉर्ट रेमिटेबल रेमिटेंस ऑफ एसेट्स का पूरा टॉपिक अच्छे से करना बहुत जरूरी है। पेमा के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अब आज में, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत ही स्मार्टली पिछले पेपर्स का अवॉइड करके रेडी रखा है अपने आप को अचानक से क्वेश्चन आने के लिए, तो एग्जामिनर का कुछ नहीं, क्या इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये टॉपिक पे पिछले क्वेश्चंस नहीं आए, तो जहां पे एक्सपेक्टेड नहीं होता वो क्वेश्चन आ जाता। पिछले पेपर किसी भी साल का डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट आंसर पढ़ने में होता है। साल को भी डिफिकल्ट नहीं था। ओके, फाइनल ओके, इस बार एक प्रोजेक्ट एक्सपोज के पार्ट को पढ़ के जरूर जाना। एक प्रोजेक्ट एक्सपोज होता क्या है, इस पे एक शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एक्सपोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे एलएनटी वाले का प्रोजेक्ट हो गया था, फिर इंडिया के बाहर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो गया था, अदानी का रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए थे, तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंडिया के बाहर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो तो प्रोजेक्ट करने के लिए पहले आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि मुझे फंडिंग भेजनी है, फिर फंडिंग बेच के फंडिंग की रिक्वायरमेंट शुरू होती है, फिर प्रोजेक्ट धीरे धीरे फंडिंग जनरेट करता है, उस तो जनरेशन में वहां पे यूज करते करते लास्ट में जब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन आता है तब मेरे को बैलेंस आता है। लास्ट का बैलेंस बहुत बड़ा होता है,
लेकिन वो एक पेड़, एक बीज से पेड़ को लगाने देता है। तो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स अपने आप में डिमांडिंग है। आरबीआई बोलता है कोई भी गारंटी, कोई भी लेटर, कोई भी परफॉर्मेंस अप्रेजल या कुछ भी देने से पहले यह अग्रीमेंट किया हो तो उसके लिए आरबीआई को इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि ये पैसा आप करोड़ों में लेके जा रहे हो, वो भी डॉलर्स, छोटा नहीं है। तो आरबीआई प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में जानना चाहता है। सो दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये ओके। दो इस बार आप कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज एक्सपेक्ट कर सकते हो सेक्शन 42 की रिक्वायरमेंट्स के। ओके, ये मॉड्यूल के पीछे का पार्ट था, यानी कि सर ईसीबी कैन बी रेज थ्रू फॉरेन करेंसी इन आयन, बट हाउ कैन इट बी यूज इन आयन इफ इट इज फॉरेन बोरोइंग्स। देखिए, तू गड़बड़ कर दी। अगर आप फॉरेन बोरोइंग्स हो तो आपका फॉरेन ईसीबी की रिक्वायरमेंट भी इंडिया के बाहर ही होती है। इफ यू आर रेजिंग फॉर आयन तो आपका प्रोजेक्ट इंडिया में होता है। इनफैक्ट वो डायग्राम भी उन्होंने बनाया था, व्हेन यू आर रेजिंग ईसीबी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस वेयर द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, उसके रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हुए। तो तेरा प्रोजेक्ट क्या है? इंडिया में है तो तू रुपीज में रेस करेगा, इंडिया के बाहर है तो फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो सर अगर हमने प्रोजेक्ट इंडिया में किया बट लोग रहते हैं फॉरेन में तो हमको डॉलर के हिसाब से मिलेगा ना। तो भले ले लो, लेकिन आप इंडिया में तो रुपीज में स्पेंड करोगे। लेबर वाले के लिए खर्चा इंडियन तो आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना। वेल, कमिंग टू द कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ कंपनीज, कंपनीज का कॉन्ट्रोवेंशन हो सकता है पेमा के रूल्स के हिसाब से। और ये मॉड्यूल के पीछे का क्वेश्चन था, अभी तक अनएक्सपेक्टेड उसमें चल रहा था। यस, इसके आने के चांसेस है। तो जो भी पर्सन कॉन्ट्रोवेंशन करता है कंपनी का, ये हो सकता है किसी केस स्टडी के साथ ये आ जाए। ओके, इसके एक्सपेक्टेशन कुछ वैसे ही है कि कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है कंपनी पेमा के रूल्स को, या गिल्टी फाइंड किया जाता है या कंप्लाई नहीं करता, उसके ऊपर पेनल्टी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप एडिशन में ये भी बात लिख सकते हो, दैट इज 2 लाख रुपए की पेनल्टी फॉर क्वांटिफाइबल ऑफेंसेस एंड फॉर नॉन क्वांटिफाइबल, सॉरी, 3 टाइम्स द पेनल्टी फॉर क्वांटिफाइबल, नॉन क्वांटिफाइबल पे 2 लाख रुपए की पेनल्टी आती है। एंड जो पर्सन ऑफेंस करते हैं उस पर कंटिन्यूइंग पेनल्टी 5,000 रुपया पर डे के हिसाब से भी चलती रहेगी। तो ये पार्ट आएगा, आगे भी आता है डिस्कशन में, पेनल्टी ऑन पेमा, तो ये पार्ट उसमें ऐड कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। ओके, तो अपील ओके। इस बार अपील टू अपेलेट ट्रिब्यूनल, ये वाला पार्ट भी पढ़ के जाना। अपील टू अपेलेट ट्रिब्यूनल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स? ओके, तो अगर हमें अपेलेट ट्रिब्यूनल को अपील करना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स ध्यान रखनी है? तो अपेलेट ट्रिब्यूनल में बैठता कौन है, स्मगलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से, एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने के टाइम क्या है, ये पूरा पार्ट आप स्टडी कर चुके हैं। ओके, कितने टाइम है एक्सपेक्टेड है डायरेक्ट क्वेश्चंस के आने के कुछ चांसेस ये सब। देन आल्सो कंपाउंडिंग के प्रोविजंस भी पढ़ के जाइए। पेमा के कंपाउंडिंग प्रोविजंस अगेन एक इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में आते हैं। कंपाउंडिंग कैसे होती है? कंपाउंडिंग के लिए आपको एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ साथ। ओके, कंपाउंडिंग एप्लीकेशन 180 डेज के अंदर डिस्पोज होती है, 15 डेज के अंदर आपको पेमेंट करनी रहती है, 3 साल तक आप वापस कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। ओके, प्लस इसके साथ साथ ये कुछ एनफोर्समेंट, अगर आपने एग्जाम में ये पार्ट नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। दिस टेबल वॉज एक तरह से नॉलेज के लिए, अगर याद आया तो अच्छी बात है। इफ दे आस्क यू, एक बार एग्जामिनर में पूछा था इसलिए टेबल डाला हुआ है, बट सिर्फ कंपाउंडिंग पूछो तो पूरा टेबल डिस्कस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंपाउंडिंग के प्रोविजंस भी डिस्कस किए तो भी चलेगा। एंड यस, पेनल्टी आपको पे करनी है, और अगर कहां पे भी ऑडिट का अप्रूवल चाहिए तो लेने का। एक और चीज, अगर आप कंपाउंडिंग का लिख रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन 34 भी साथ में उसके साथ पढ़ना। ओके, एक कंपाउंडिंग करते समय कंपाउंडिंग ऑफिसर किन किन बातों को देखता है? व्हाट आर थिंग्स डज द कंपाउंडिंग ऑफिसर ऑब्जर्व? देखो, अगर आपसे पहली बार छोटी सी गलती हुई है, पहली बार हुई है, आज से पहले नहीं हुआ, तो शायद आपका कंपाउंडिंग में बहुत कम में हो जाएगा, बहुत कम पेनल्टी। लेकिन अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो, पहले भी बहुत गलतियां कर चुके हो, जैसे मैं कई बार जेल जा चुका हूं, तो ऐसा मुझे जेल जाने में कोई फर्क नहीं और पुलिस को मुझे शक करने में कोई फर्क नहीं। छोटा मोटा ऑफेंस हुआ तो शक आप पे आए। तो यही पॉइंट होता है कंपाउंडिंग का, कि कंपाउंडिंग वाला ये चेक करता है कि आज से पहले, देखो ये पॉइंट होते हैं, अनफेयर एडवांटेज कितना हुआ है,
सामने गवर्नमेंट को कितना लॉस हो रहा है, आपसे पहले कितने रिपीटेटिव मेजर हुए कॉन्ट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितना आ रहा है, आपने सरकार को नुकसान कितना पहुंचाया है, बस ये सारी। तो पहली बार की गलती माफ की भी जा सकती है, लेकिन अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो, बार बार आपके एक्सपोर्ट नोटिस आ चुके, तो फिर कंपाउंडिंग ऑफिसर सीरियस पेनल्टी के ऊपर जाता है। ठीक है, तो इस बात को नोट करना। प्लस ओके, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या होता है, तो इस बात को भी नोट करके जाना। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एक तरीका निकाला गया है जहां पे हम लोग 2,50,000 डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर खर्चा कर सकते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। 250 2,50,000 यूएस लिखा ओके, या फिर आप उसको 250,000 डॉलर भी बोल सकते हो, बोलने का तरीका है बस। एंड ये आपको स्कीम देता है जहां पे आप जनरली कैपिटल अकाउंट में नहीं, करंट अकाउंट में प्रेफरेबली यूज करते हो, और यहाँ से जो भी आप रेमिटेंसेस करते हो वो एक बेनिफिट के लिए होता है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, अचीव करने के लिए। ओके, इसमें कि फैमिली मेंबर्स के चीज को पहले ना लास्ट में करें तो कहीं इज नॉट ऑर्डिनरी एग्जैक्टली, थिंक 2,50,000 डॉलर्स पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर। तो आपके पापा इस बार नहीं जा रहे बाहर, आप जा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका 5 लाख हो गया। बाय एग्जैक्टली, मतलब जितने लोग जा रहे हैं तो कोई काम तो 250 पर पर्सन, मतलब पर पर्सन, अब तुम बोलते मेरी फैमिली में 4 लोग हैं लेकिन बाहर तो मैं ही जाती हूँ, तो 250 मल्टीप्लाई कर 1 करोड़ की लिमिट मेरी हो गई, बट दैट्स नॉट द कैलकुलेशन, इसलिए क्लबिंग अलाउड नहीं है। ओके, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिसंबर 23 में आया था, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस। ओके, आप चीज उसको रीड कर सकते हो, जैसे 250 वगैरह, मैं वही आपको बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस। सर आप समझ में आया, तो आपको लॉ बताते हुए आंसर दिया हुआ है, लॉ बताते हुए लिखना, ठीक है। देन अब आते हैं रिजर्व बैंक के ऊपर, पीछे रिजर्व बैंक का एक एरिया मिलेगा, इसमें ये याद रख लेना कि रिजर्व बैंक में इसका पर्पस क्या है, रिजर्व बैंक का, एंड उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। रिजर्व बैंक का पर्पस क्या होता है, रिजर्व बैंक क्या अचीव करना चाहता है, एंड उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। टॉप पे आपको गवर्नर बैठते हैं, डेप्यूटी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव गवर्नर, ये सब उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, तो इसको एक बार रीजर्व कर लेना। ओके, बाकी रिजर्व बैंक के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस फुल फ्लेज्ड है नहीं सच, बिकॉज अभी तक पहले कभी रिजर्व बैंक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, डेडिकेटेड चैप्टर, अब इंस्टीट्यूट के पीछे की तरफ रखा है थोड़ा बहुत डिस्कशन के हिसाब से। ओके, स्टिल रीड देम। एंड यस, रिजर्व बैंक के ये जो मेन फंक्शन है ना, इनके हेडिंग से एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट अपना आंसर थोड़ा सा घुमाए या यू बोलो क्वेश्चन पूछने का तरीका घुमाए, तो रिजर्व बैंक भी आ सकता है कि रिजर्व बैंक के मेन फंक्शंस क्या है, करेंसी इशू करना, डेवलपमेंट रोल, रेगुलेटर इशू करना। ओके, सो ये रीड करके रखना, क्लियर। ऑलराइट, तो रिजर्व बैंक के अंदर मैनेजरियल पोजीशंस क्या है, ये सब चीजें। फाइन, देन बाकी पीछे एक केस स्टडी दी है दैट यू कैन रीड इट, फुल फ्लेज्ड केस स्टडी फेमा से अब एक्सपेक्टेड नहीं है ऐसा कोई आए, दे कैन ओनली आस्क यू दैट वो लिबरलाइज रेमिटेंस की स्कीम के हिसाब से क्या होगा, 200% बाहर जा रहा है अभी, पहले के टाइम पे आती थी क्योंकि पहले के टाइम पे सारे प्रोविजंस अलग हुआ करते, तो सब कॉमन हो गया 250 पर पर्सन पर, इसीलिए फुल फ्लेज केस स्टडी आने के चांसेस कम है, फिर भी एक बार रीड करके जाना है। तो पिछले लेटेस्ट केस स्टडी जो होंगे लास्ट 10 अटेम्प्ट के या लास्ट के 10 क्वेश्चन भी रीड करके जाओगे तो भी काफी रहता है। ओके, तो दैट विल बी सफिशियंट इन केस स्टडीज ऑल्सो। नाउ कमिंग टू दी अदर चैप्टर, ओके, बाय द वे ये चैप्टर नंबर 2 है, गलती से 5 प्रिंट हो गया है, दिस इज चैप्टर नंबर 2 एफडीएल। ओके, एफडीएल के अंदर इस बार ज्यादा एस सच क्वेश्चन आने के चांसेस वही पहले जैसे लिमिटेड ही है, 5 मार्क्स से 8 मार्क्स के बीच में जो क्वेश्चन चलते वैसे ही चलेंगे,
ओके एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। हाँ ये कि एफडीआई में डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या रहती है, ये आपके कैपिटल मार्केट से कोरिलेट करता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होता है, डिपॉजिटरी रिसीट्स। ओके ये अनएक्सपेक्टेड एरिया का क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी पूछा जा चुका है लेकिन पूछ के टाइम हो गया, तो ये पार्ट आप लोगों ने कैपिटल मार्केट में डेफिनेटली देख लिया होगा। ओके यू मस्ट हैव सीन इन द कैपिटल मार्केट्स कि व्हाट आर द डिपॉजिटरी रिसीट, व्हाट इज द फॉरेन करेंसी, करंट बॉल, तो ये इसमें भी पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को देखिए ऐसा ना लगे सॉरी कैपिटल मार्केट का क्वेश्चन इधर कैसे आ गया, तो यस इट वाज देयर इन द एग्जाम्स। तो ये वाली एक चीज भी याद करके जाना, लिस्ट द एरियाज वेयर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड। ओके एफडीआई कहाँ कहाँ पे प्रोहिबिटेड, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग बिजनेस, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग ऑन टीडीआर, रियल एस्टेट बिजनेस एंड कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, सिगरेट, टोबैको एंड नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर्स लाइक रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, फॉर्म कोलेबोरेशन फॉर एनी काइंड ऑफ गैम्बलिंग एक्टिविटीज। ठीक है ये तो कॉन्ट्रैक्ट हाँ ये वाला पार्ट। इंफॉर्मेशन हाँ नहीं, रियल एस्टेट का तो डेफिनेशन दिया हुआ है, बाकी इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखने का, लिखा आपको रियल एस्टेट का डेफिनेशन मिल जाएगा, बाकी इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं। ओके इस बार अगेन ये क्वेश्चन पास पेपर्स में भी रह चुका है, इनफैक्ट पास बोलो तो पिछले पेपर में था, दैट इज एलएलबी की क्या कंडीशंस है, तो इस बार जरूर पढ़ते जाना फिर से एक बार एक्सपेक्टेड। तो एलएलपी के ऊपर आप लोगों ने देखा कि एलएलपी इंडिया में फॉर्म होती है तो इसके अंदर फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेगा। प्लस इसके साथ हम लोगों ने ये भी स्टडी किया हुआ है, हाँ ये देखिए कि एलएलपी को एलएलपी एक्ट की रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है और 100% ऑटोमेटिक रूप में होना चाहिए, और एफडीआई के अंदर डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स नहीं होना चाहिए, एफडीआई लिंक परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए। आप एलएलपी में इन्वेस्ट करोगे तो चलेगा, एलएलपी में आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, प्रॉफिट शेयरिंग होता है, तीन रूल्स हम लोग ने स्टडी किए थे, प्रॉफिट शेयरिंग या फिर आप कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली कर सकते हो या किसी का प्रॉफिट खरीद सकते हो। ओके प्लस एलएलपी के अंदर आप लोगों ने ये भी स्टडी किया हुआ है कि कैपिटल के अंदर फॉरिनर्स पीआरओआई पीआरआई के साथ पीआरआई पीआरओआई के साथ ट्रांसफर भी कर सकता है, एंड जो भी कंडीशन होगी विद रिगार्ड टू आरबीआई वो मीट करना जरूरी। ओके अपने नोट्स रेफर कर देना, रिटन नोट्स, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में होगा, ठीक है, इवन इफ यू डू दैट मच इज फाइन, पर ये जरूर करके जाना। एंड इस बार ये भी करके जाइएगा राइट्स इश्यू एंड बोनस इश्यू, राइट्स इश्यू एंड बोनस इश्यू एफडीआई की क्या रिक्वायरमेंट्स है। ओके पिछले पेपर में ईसॉप्स आ चुके हैं तो इस बार राइट्स इश्यू बोनस इश्यू के चांसेस लग रहे हैं। सो राइट्स इश्यू बोनस इश्यू राइट हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं बोनस के लिए, लेकिन एक कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट है और एक एडिशनल कैपिटल रेजिंग। ओके अब इसमें आपके शेयर होल्डर्स इंडिया के बाहर के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो अगर बाहर के शेयर होल्डर्स को हम राइट्स इश्यू देंगे और पैसा लेंगे तो कोई भी पैसा इंडियन से कम नहीं होगा, सेम कंडीशन लगेगी एज ऑन ओरिजिनल शेयर। ओके पेमा के डेट रूल्स को कंप्लाई करना पड़ेगा, लिस्टेड इंडियन कंपनीज जो रहेगी उनका प्राइस एज पर सेबी डिटरमाइंड प्राइस होगा, अनलिस्टेड कंपनी अपने चार्ट अकाउंटेंट सीएमए या मर्चेंट बैंकर से प्राइस डिटरमाइन करवा सकती है। ओके प्लस इसके साथ साथ आप लोग ये भी स्टडी कर सकते हो कि इक्विटी रेज, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ओके सो दिस इज द राइट्स इश्यू बोनस इश्यू, और मैंने ये भी बताया था सेक्टोरल कैप ब्रीच नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से राइट्स बाहर वाले को गया तो यू शुड टेक केयर ऑफ अटेंडेंट कंडीशनैलिटीज। ओके अगर कुछ कंडीशन याद नहीं आते तो वर्ड लिख देना, टेक केयर ऑफ अटेंडेंट कंडीशनैलिटी इस बार आपको चलिए। ओके हाँ ये वाला इस बार पढ़ के जाइएगा, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड बाय बीआरवाई फॉर ट्रांसफर ऑफ इक्विटी, गिफ्ट वगैरह करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखने का, या ट्रांसफर करते समय, इट्स अ फेमसली कॉल्ड रूल 9 रिक्वायरमेंट्स। So what documents are to be submitted by resident for gift of shares or transfer? Okay.
ये पूरा बात डिटेल में हमने डिस्कस किया है रूल 9 के हिसाब से। जब आप इंडिया में ट्रांसफर करते हो पीआरओआई पीआरआई का, तो नॉन डेट रूल्स के हिसाब से ट्रांसफर होगा। अगर आप गवर्नमेंट अप्रूवल रूल में है तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लोगे। अगर आप इंडिया में कोई भी इक्विटी बेच रहे हो तो रिपैट्रिएबल है कि नॉन रिपैट्रिएबल है, इस चीज का पता करना जरूरी है। प्लस उसके साथ हमने ये भी देखा है कि इंडिया के अंदर अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर खरीदता है, ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इंडियन कंपनी की हो जाती है कि वो किन पीआरआई को दे रहा है, और हाँ सेक्टोरल टैक्स ब्रीच नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ हम लोग ने ये भी देखा है कि अगर इंडियन कंपनी में, बाय द वे गिफ्ट वाला प्रोविजन रूल 9 सब रूल 4 में आता है, ये पूरा डिटेल देख चुके हैं वो लोग। बाकी रूल 9 सब रूल 3 के हिसाब से अगर कोई ट्रांसफर होता है, पीआरओआई अगर अपने शेयर्स बेच रहा है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है अप्रूवल रूट वाली कंपनी होगी तो डेफिनेटली ट्रांसफर के लिए भी अप्रूवल चाहिए। अनअप्रूवल यानी ऑटोमेटिक रूट वाली होगी तो फिर कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, चलेगा। रूल 9 सब रूल 3 के हिसाब से अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो कुछ बातें, डोनर डोनी में रिलेटिव्स का रिलेशनशिप होना चाहिए। जो गिफ्ट कर रहा है वो डोनर, जिसको मिल रहा है वो डोनी होता है। 5% से ज्यादा आप कैपिटल का गिफ्ट नहीं कर सकते। ओके, रिलेटिव्स का डेफिनेशन कंपनी लॉ के हिसाब से सेटिस्फाई होना कंपलसरी। प्लस आपने ये भी समझा कि 50,000 US डॉलर से वैल्यू में ज्यादा का गिफ्ट नहीं हो सकता। ओके, इट शुड नॉट एक्सीड इन वैल्यू 50,000 US डॉलर। पूरा प्रोविजन डिटेल लिख चुके हो। ओके, तो इन बातों को मीट करना जरूरी है रूल 9 के हिसाब से। प्लस आप ये भी स्टडी कर चुके हो, अगर आप ट्रांसफर करते हो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो आपको डेफिनेटली ये देखने का है कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल होगा, तो ऑप्शन एक्सरसाइज करते समय सामने वाले को जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो लिस्टिंग के हिसाब से क्या मीट करेगा। ओके, एंड अगर कोई इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है तो 25% से ज्यादा और 18 मंथ से ज्यादा का गैप देना मना है। ओके, डिफर्ड पेमेंट सिस्टम्स के हिसाब से, ठीक है। पर आइडियली उन्होंने गिफ्ट के लिए पूछा है तो गिफ्ट के लिए एक बार जरूर देख के जाइएगा। बाकी ये रूल 9 बहुत सारा है, बहुत सारे पढ़ने को मिलेगा, एंड FPI की जरूरत नहीं है इस बार, ठीक। हाँ, ये एक बार देख के जाना। What are the requirements for purchase sale of equity instruments of listed company by NRI? ये एरिया भी आप लोगों ने स्टडी किया है। NRI उसकी अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो क्या क्या चीजें, ऑथराइज डीलर के थ्रू खरीद सकते हैं। अगेन 5% से ज्यादा इंडिविजुअल NRI नहीं ले सकता, और एक इंडियन कंपनी सारे NRIs मिला के 10% से ज्यादा नहीं, विद पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन 24% तक आपको अलाउड किया जाएगा। याद आया? So, ये पूरा पार्ट आप कर चुके हो, ठीक है। एंड ये भी पढ़ लेना, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनआरआई ओसीआई ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस, साथ में जाता है। सो एनआरआई ओसीआई नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस में इंडियन कंपनीज में फुल लेंथ पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और किसी भी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP में किसी में भी इन्वेस्टमेंट्स अलाउड है, एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन, एक्सेप्ट फॉर रियल एस्टेट मीडिया। ओके, उसमें मना किया। Then, ये वाला पार्ट पढ़ के जाइएगा, व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड प्राइसिंग गाइडलाइंस इन कंपनी। सो प्राइसिंग गाइडलाइंस के हिसाब से प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो इंडिया के अंदर प्राइसिंग गाइडलाइंस के टर्म्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने तब स्टडी किया था, अगर आप लिस्टेड हो तो आप सभी की गाइडलाइंस के हिसाब से, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये स्टडी किए थे, नॉट लेस देन एंड नॉट मोर देन। तो अगर मुझे पैसा इंडिया के अंदर लेना है तो नॉट लेस देन वो आएगा, और देना है तो नॉट मोर देन। ओके, तो कोई भी इंडिया में अगर शेयर्स खरीद रहा है तो पैसा आएगा इंडिया में, तो आई विल टेक नॉट लेस देन एज प्रिस्क्राइब बाय सेबी गाइडलाइंस या एज पर द वैल्यूएशन रिपोर्ट। लेकिन अगर मैं शेयर्स बेचूंगा और खरीद रहा हूं तो शेयर्स के लिए पैसा देना होगा, तो आई विल पे नॉट मोर देन एज पर सेबी गाइडलाइंस और कितनी कितने सेक्टर टैक्स लिखती। भी आ सकती है बट वो मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए। हाँ, मिनिमम बराबर शेयर के प्राइस की बात। अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो मैक्सिमम उतना ही कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते, एग्जैक्टली, मिनिमम कितना कर सकते हो। सो ये बात हम लोग स्टडी किया था। प्लस इसके साथ ओके, ये बात भी याद रखना, फॉरेन एम्बेसीज, फॉरेन डिप्लोमैट्स वगैरह, ये लोग इंडिया में प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहे तो किन बातों पर। ओके, सो फॉरेन एम्बेसीज, फॉरेन डिप्लोमैट्स इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का
अदर इस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अप्रूवल चाहिए रहेगा, और पूरा पैसा इंडिया के बाहर से आना चाहिए, ना कि इंडिया से होना चाहिए. ओके एंड तो क्या ठीक है है. What is the prohibition and condition for acquisition by Indian citizens of certain countries? तो कुछ कंट्रीज है जहां पे हमें शेयर एक्वायर करना मना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग, ईरान, रिजर्व. ओके सो इन कंट्रीज के अंदर हमें शेयर एक्वायर करना मना है, अनलेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को परमिशन दी हो तो बात अलग, अदरवाइज डी सी सब ना हो. ओके एंड व्हाट इज द मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग एफडीआई, ये बोलो. ओके मैनर एंड प्रोसीजिंग, तो ये पूरा रिपोर्टिंग का पार्ट हम लोग स्टडी किया है, दैट इज मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्टिंग एंड नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट टूल्स के हिसाब से. सो यहाँ पे रिपोर्टिंग, आप जो भी इंडिया के बाद से आपका शेयर आएगा, पहले आप FIRC फॉर्म डालते हो, फिर आप KYC डिटेल्स सबमिट करते हो, फिर FCGPR फॉर्म फाइल करने का तरीका था रीजनल ऑफिस के साथ, FIRC KYC, आपको UIN जनरेट होगा, RBI रिपोर्ट करेगा, इश्यू ऑफ शेयर होने के बाद आपको 30 डेज में FCGPR बोर्ड रेजोल्यूशन के पास लिख के दिया है, आपने पूरा डिटेल पार्ट लिखा है, वो एटलीस्ट पूरा लिखा हुआ पार्ट भी पढ़ जाओगे चलेगा, और कहाँ पे CS का सर्टिफिकेट चाहिए, किस टर्म्स में चाहिए, वो भी लिख चुके हो. ओके तो पूरा पार्ट अच्छे से देख के जाना कि आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है. प्लस जिस कंपनी में पेड ऑफ कैपिटल 5 करोड़ से, उसमें प्रैक्टिसिंग CS का सर्टिफिकेट चाहिए. एंड यस FCGPR फॉर्म कब फाइल करते हैं, एनुअल फाइलिंग 15 जुलाई तक, 31 मार्च की ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल करना कंपल्सरी है. ओके एंड ट्रांसफर्स वगैरह में FCTRS फॉर्म लगता है 60 डेज के अंदर, ये भी पार्ट हमने देखा है, जो भी इंडियन एंटिटी है या इंडियन पर्सन है उसे फाइल करना, लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद रहे हो तो एज ए CS ऑफ द कंपनी मुझे RBI के साथ फाइल करना, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज वालों ने तो खरीद बेच करके खत्म कर दिया, तो 60 डेज का टाइम वहां पे मिलता है. एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कैश कन्वर्जन ऑफ ECB इंटू इक्विटी, इक्विटी एंड ECB पार्टली कन्वर्टेड इंटू इक्विटी, दोनों ECB2 फॉर्म, FCGPR, ये पूरा पार्ट लिख चुके हो, पढ़ चुके हो. ओके जैसे करके जाओ. हाँ ये वाला पार्ट पढ़ के जाना. व्हाट आर द पेनल्टीज व्हिच कैन बी इम्पोज्ड फॉर कॉन्फर्मेशन ऑफ एफडीआई, व्हाट आर द पेनल्टीज, इसमें आपको मिल जाएगा 2 लाख रुपया क्वांटिफाइबल कंपनी लॉ के साथ, पेनल्टीज व्हिच कैन बी इम्पोज्ड फॉर कॉन्फर्मेशन ऑफ एफडीआई. ये पूरा पार्ट पढ़ लिया है और याद रखना है. ओके दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक से करके जाना, एटलीस्ट ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करके जाना. एंड बाकी क्वेश्चंस पढ़ के जाने, बिल्कुल पढ़ के जाने हैं. ओके इसको इग्नोर मत करके जाना, बाकी क्वेश्चंस भी पढ़ के जाना, बाकी ये वाला क्वेश्चन भी है. ओके पिछले पेपर का ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है, केसेस विच डू नॉट रिक्वायर फ्रेश अप्रूवल्स, सो एंटिटीज जो गवर्नमेंट अप्रूवल ले चुकी है उन्हें अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके एंटिटीज जो सिक्योर कैप्स को मीट करते हुए इन्वेस्टमेंट करती है या अर्लियर गवर्नमेंट अप्रूवल ले चुकी है उन्हें भी अलग से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती. एडिशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेम एंटिटी अगर बार बार गवर्नमेंट अप्रूवल के अंदर ही कर रही है तो गवर्नमेंट अप्रूवल एक ही बार लेना है, बार बार नहीं, ठीक है. एंड अगर क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ से ज्यादा का है, ओके एंड आप होली ऑन सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक बार गवर्नमेंट RBI कंसेंट या गवर्नमेंट कंसेंट लेके काम हो सकता है, फिर आपको ये बार बार नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं पैसा डालू क्या. ओके आपकी एंटिटी है तो ये एक कंडीशन था एडिशनली देख के जाना. एंड ये भी, व्हाट आर द एंट्री ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन एज पर पॉलिसी, December 23 का था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है. ओके ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, अप्रूवल रूट क्या होता है, इंडियन एंटिटी कहाँ पे
अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए तो कहाँ पे देने का है? इंडियन एंटिटी अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करती है नॉट ओन्ड बाय द रेसिडेंट्स, अगर इंडियन कंपनी है और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करती है एंड इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट्स, तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल, जैसे मैं इंडिया के बाहर पैसा लगा रहा हूँ या इंडिया के अंदर पैसा लग रहा है लेकिन इसमें इंडियन का कोई कंट्रोल नहीं, तो गवर्नमेंट बोल के कंट्रोल कौन कर रहा है? तो जैसे अमेजोन पैसा लगा रहा है, कोई बड़ा पैसा लग रहा है, तो इन दैट केस आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल्स चाहिए रहेंगे, या फिर कंट्रोल ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी, ओके, करंटली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट इंडियन सिटीजन एंड विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय विच इज बीइंग ट्रांसफर टू अ नॉन रेसिडेंट सिटीजन, ओके। तो तरीका क्या है? मैंने एक कंपनी शुरू की, मैं वी वर इन दिस, वी वर स्टार्टिंग कंपनी, फिर फॉरेनर ने बोला मैं तुम्हारी कंपनी में करोड़ों रुपया देता हूँ। बोला अच्छी बात है सर, हम साथ मिलकर ग्रो करेंगे। साथ में ग्रो किया लेकिन फॉरेनर्स के कुछ एक्सपेक्टेशन हमसे ज्यादा थे, वो हमसे ज्यादा फास्ट थे। एज अ रिजल्ट उन्होंने बोला एक काम करो, आप अपनी कंपनी के शेयर भी हमें दे दो, आप उतनी फास्ट ग्रोथ नहीं कर पाओ। तो अगर मैंने पूरा कंट्रोल उन फॉरेनर्स के हाथ में और ट्रांसफर कर दिया तो सरकार को बताना पड़ेगा क्योंकि पूरी कंपनी फॉरेन कंपनी होगी, ओके। एंड इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई ट्रस्ट पार्टनरशिप आउटसाइड इंडिया, इस केस में भी गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ता है, तो ये बात भी एक बार अच्छे से देख के चाहिए, ओके। यस, बाकी ये हो गया एफडीआई की रिक्वायरमेंट्स। एफडीआई के केस स्टडीज पीछे जो दिए गए हैं जस्ट रीड इट वंस, दैट विल बी सफिशिएंट। और अब आते हैं ओडीआई के ऊपर, लेसन 3, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ओके। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में सर इसकी कैसे किसकी निकलती है ये जो सेकंड एफडीआई हफ्ते की केस स्टडी सिर्फ रीड करनी, लर्न नहीं करनी, हार्डली वो लोग पूछते हैं। अभी तक एफडीआई हमेशा डायरेक्ट, पिछले 5 साल से डायरेक्ट क्वेश्चन चल रहे, तो वो लोग सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। इनफैक्ट आप क्वेश्चंस भी देखोगे तो केस स्टडी में पिछले सालों में इतने ज्यादा कोई आई नहीं है, फेमा के चैप्टर में एक दो एक दो एक दो आपको मिलते जाएंगे, एफडीआई में जरूरत सर नहीं पड़ेगी। ओके, ये करके जाना, व्हाट आर परमिसिबल सोर्सेज ऑफ ओवरसीज फंडिंग, मोड ऑफ पेमेंट, ओके। ये हम लोग कर चुके हैं, बैंकिंग चैनल से भेज सकते हो या फिर स्वैप सिक्योरिटीज, ईडीआर, जीडीआर। इंडिया के बाहर आप कैसे पैसा भेज सकते हो और किस तरीके से फाइनेंस अरेंज कर सकते हो, ये वो सोर्स की बात कर रहे हैं। तो जीडीआर, जीडीआर इशू करके अब आपको कैपिटल मार्केट की वजह से ईडीआर, जीडीआर और ये सारी बातें आराम से समझ में आएंगी, ओके। सो व्हाट इज एडीआर, व्हाट इज द कमर्शियल बोरोइंग्स, व्हाट कैन बी डन, एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कैश इज नेवर परमिटेड, ओके। रेमिटेंसेस नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होना चाहिए एंड कोई भी फॉरेन एंटिटी के हिसाब से फाइनेंशियल कमिटमेंट ओवर हाई रूल से ज्यादा नहीं करना, एंड मैनर ऑफ इन प्राइसिंग गाइड स्टिल रहेगी, ओके। ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये पूरा पार्ट मैं आपको समझा चुका हूँ और लिखवा भी चुका हूँ, तो प्लीज इसको अच्छे से करके जाना। ओके, हाँ ये भी अच्छे से करके जाना। व्हाट डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय पर्सन रेसिडेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय वे ऑफ गिफ्ट, ओडीआई रूल्स के हिसाब से गिफ्ट के अंदर क्या? तो अगर आप इंडिया के बाहर गिफ्ट कर रहे हो क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान रखें, ओके। तो नेट प्रॉफिट्स पिछले साल, 3 साल का रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज के हिसाब से, एंड इंडियन कंपनी नॉट एंगेज इन फाइनेंस, सॉरी गिफ्ट नहीं, ऊपर वाला फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और एक्विजिशन। सो अगर आप फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटी के हिसाब से हो तो क्या क्या चीजें इंडिया के बाहर, तो मतलब मैं हूँ एक म्यूचुअल फंड और इंडिया के बाहर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एज अ इंडियन एंटिटी ने जो इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या क्या कंडीशन मीट कर, लिखवा भी चुका हूँ पर याद रखना कि मुझे एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी होना चाहिए। आई एम रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, मैं इंडियन म्यूचुअल फंड से रेगुलेटेड हूँ, एंड इंडिया के बाहर अप्रूवल लिया हुआ है जब भी मैं लिमिट से ज्यादा एक्सीड करता हूँ, और उस होस्ट कंट्री से भी अप्रूवल लिया हुआ है जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। प्लस इंडियन एंटिटी होने के नाते मैं बैंकिंग, इंश्योरेंस ऐसे किसी भी एक्टिविटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ओके। सब्जेक्ट टू द कंडीशन के मैं पिछले साल से 3 साल से प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी होना चाहिए, एंड इंडियन एंटिटी नॉट एंगेज इन इंश्योरेंस सेक्टर और हेल्थ इंश्योरेंस
ओके एंड सपोर्टिंग कोर एक्टिविटीज। तो याद रखना, आप हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया के बाहर प्रमोट नहीं कर सकते, आप अनअप्रूव्ड इंश्योरेंस सेक्टर्स इंडिया के बाहर प्रमोट नहीं कर सकते। आप कौन सा प्रमोट कर सकते हो कि वहां के बिजनेस के रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे मैंने इंडियन बिजनेस वाला, मेरा नाम है रिलायंस, मैं इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है टू फॉर माई प्रोजेक्ट, वो ठीक है, वो इंश्योरेंस चलेगा। ओके बट इंश्योरेंस शुड नॉट बी फॉर प्रमोटिंग हेल्थ इन अदर सेक्टर। इससे एक प्रॉब्लम होती है, जब आप इंडिया के बाहर जाते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस हमको उन्हीं की कंट्री का लेना पड़ता है। ओके अनलेस आपके पास इंडिया का अप्रूव्ड हेल्थ इंश्योरेंस। तो इन बातों का ध्यान रखने का, एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट 400% से ज्यादा नहीं होगा, प्लस टोटल फंड यूटिलाइजेशन इससे ज्यादा नहीं होगा। ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, इनफैक्ट लिखी भी होगी आपको, 400% से ज्यादा नहीं होगा। ओके एडीआर डीडीआर, और अगर आपको इंडिया के बाहर कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए फंड रेज करना है तो आप रेज कर सकते हो बाय इशूइंग एडीआर डीडीआर आउटसाइड इंडिया, रेज अ फंड विच कुड बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी लेटर। ये पार्ट आप लोगों ने कैपिटल मार्केट में भी पढ़े थे, एडीआर डीडीआर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। ओके सो इस चीज को ध्यान रखना। एंड ये पार्ट का ध्यान रखना, व्हाट इज द रिक्रूटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिविंग। सो फाइनेंशियल कमिटमेंट इंडिया के बाहर कितना है वो रिपोर्ट करने का है, डिस इन्वेस्टमेंट हुआ तो 30 डेज में रिपोर्ट करने का है, रीस्ट्रक्चरिंग 30 डेज के अंदर रिपोर्ट करने का है। ओके एंड ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, जो भी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है, ईएसओपीएस वगैरह, ये सब चीजें रिपोर्ट करनी है। प्लीज रीड दिस आंसर्स वेल। अगर इसमें कोई भी डाउट आएगा तो पहले अपने हैंड रिटन नोट्स और वगैरह पहले वो चेक करना, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, पूरा लिखवा चुका हूँ, तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू कोरिलेट। हाँ क्योंकि ये नोट्स आपने खुद ने अपने हाथ से लिखे, देखो दैट वाई इट हेल्प्स यू टू रिकलेक्ट इट फास्टर। ओके एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको सबमिट करना होता है, बट बाई चांस डिले हुआ तो लेट सबमिशन फीस के साथ आप लोग, ठीक है। देन या एक जून 23 का डिस्कस द टर्म्स ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स बाय प्रोप्राइटरशिप एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, ये वाला जरूर पढ़ते जाइए। जून 23 का क्वेश्चन था, पूरा नहीं था। ओके वी हैव डिस्कस दिस ऑल्सो। सो अगर आप इंडिया के बाहर एज अ प्रोप्राइटरशिप, एज अ पार्टनरशिप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखने का, वेल आप एक एक्सपोर्टर होने चाहिए, स्टेटस होल्डर एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। दूसरा, अगर आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो, डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एक्सपोर्ट रियलाइजेशन इन 3 ईयर्स, यानी कितना इन्वेस्टमेंट आप इंडिया के बाहर कर सकते हो, आपने जितना भी एक्सपोर्ट के अंदर रियलाइज किया उसका 10%। तो अगर आई एम 100 बिलियन US डॉलर एक्सपोर्टिंग कंपनी, तो उसका 10%, 10 बिलियन US डॉलर तक मैं इंडिया के बाहर कमिटमेंट कर सकता हूँ। प्लस ऑथराइज डीलर सर्टिफाइड, तो आप KYC नॉर्म्स मीट करो, एंड प्रोप्राइटरशिप जो भी इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करती है, अगर कोई एडवर्स नोटिस आए गवर्नमेंट से या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से या CBI से या इनकम टैक्स डायरेक्टर से, एंड आप अपियर नहीं करते तो इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। ओके तो एक्सपोर्टर नोटिस मिलने के बाद भी अपियर नहीं कर रहा ईडी के सामने, तो आपको इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं, और किया होगा तो पैसा मंगाने को वापस भी। एंड ओवरसीज कमिटमेंट जो भी है बाय द एक्सपोर्टर शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, एंड अगर प्रपोज इन्वेस्टमेंट किसी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में है और वो एक्सेस देन लिबरलाइज रेमिटेंस है, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना कंपल्सरी। ओके क्लियर, एंड नो डाउट उसके साथ फाइनेंशियल कमिटमेंट वाला भी पार्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एरिया, इसमें से जरूर पढ़ना फाइनेंशियल कमिटमेंट, जहां पे आप प्रॉमिस करते हो इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसमें पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करता है। अगर आप कंपनी हो, आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट ओवरसीज ज्वाइंट वेंचर सब्सिडरीज के लिए हो रहा है, प्रोप्राइटरशिप ट्रस्ट हो या सोसाइटी हो तो आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट बिजनेस के लिए होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड सोसाइटी है तो आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट ओके वो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में गया, तो अप्रूवल नहीं होगा तो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। एक कंपनी के लिए जनरली फाइनेंशियल कमिटमेंट 400% होता है, यानी 4 टाइम्स द नेटवर्थ। ओके उससे ज्यादा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर।
ईसीबी पे आता हूँ। ईसीबी चैप्टर में क्या क्या देखना है? ऑल इन कॉस्ट रिक्वायरमेंट्स एक बार जरूर देख के चले हम। ऑल इन कॉस्ट रिक्वायरमेंट्स, ऑल इन कॉस्ट सेविंग्स क्या होती है? मोटा मोटा जो खर्चा होता है जो हम लोग एडिशनल पे करते हैं उसके हम लोग ऑल इन कॉस्ट बोलते हैं। तो ऑल इन कॉस्ट रिक्वायरमेंट्स, ऑल इन कॉस्ट सेविंग्स क्या होती है? सो स्वैप कॉस्ट, ये वो पूरा पार्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, लिबोर रेट और उसके ऊपर। व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईसीबी गाइडलाइंस? ईसीबी टू, एफसीजीपीआर फॉर्म, ये सब हम लोग कर चुके हैं। सो व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज पर ईसीबी गाइडलाइंस, अगर आपको याद आते हैं। अगर हम लोग जब भी ईसीबी रेज करते हैं, ईसीबी में हम लोग ईसीबी टू फाइल करते हैं, फिर हमको लॉन्ग रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। इनफैक्ट इसके साथ हम लोग ने पूरा देखा भी है कि हाउ टू अप्लाई, एक क्वेश्चन भी हमने डील किया, आगे चल के मैं बताता हूँ सेम क्वेश्चन से। और आपकी कंपनी का चार्ज रजिस्ट्रेशन होगा, तो चार्ज जीएसटी फॉर्म मिल सकता है। फिर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन के हिसाब से ईसीबी टू आपको हर महीने में फाइल करना है। डिले फाइलिंग हुआ तो लेट सबमिशन फी लगेगा। अगर आपकी एंटिटी लोन रेज करके भाग गई है तो अनट्रेसेबल एंटिटी डिक्लेयर हो जाती है। तो ऐसी अनट्रेसेबल एंटिटी के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। ये रिक्वायरमेंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, हाँ ये एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रेजिंग ईसी, ये पूरा लिखवा के गया है तो याद रखना। किसी भी रेस करने का प्रोसीजर क्या है? तो आपको जो भी बोरिंग बॉक्स एंड, इनफैक्ट ये 2 बार आ चुका एग्जाम, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रेजिंग ईसीबी, 11th एंड 12th दोनों क्वेश्चंस अलग अलग टाइम पे आ गए। तो ईसीबी रेस करने का प्रोसीजर क्या है, पूरा लिखवा के दिया है कि आप ईसीबी रेस करने के लिए एप्लीकेशन करोगे, ईसीबी रेस करने के लिए आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई की एम्पावर कमेटी उसको स्टडी करती है, फिर अप्रूवल देती है। आपको एक एलआरएन नंबर मिल जाता है, वो आपको अपने ऑथराइज डीलर से मिलेगा। तो ईसीबी का एप्लीकेशन हमेशा ऑथराइज डीलर को जाता है, आप आरबीआई को नहीं देते, ऑथराइज डीलर आगे आरबीआई को सबमिट करता है। ओके, सो वहां पे आपका ईसीबी रेस होने का पार्ट शुरू हो जाता है। और एक बार अगर आपको मिल गया, फिर आप जो चार्ज क्रिएशन करोगे वो कंपनी लॉ के हिसाब से शुरू करोगे। ठीक है, सो ईसीबी रेस करने का तरीका ये है। हाँ ये पढ़ लेना, इन विच मैनर ईसीबी प्रोसीजर परमिटेड टू बी पास होते, जून 24 का क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। आप ईसीबी इंडिया के बाहर कैसे पास कर सकते हो? पहले ही बताया था, पहले मैं पैसा प्रोजेक्ट इंडिया के बाहर के लिए रेस करता हूँ, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत नहीं है अभी, पर मेरा पैसा रेस है तो क्या करूंगा? किसी भी इंडिया के बाहर की एंटिटी में कोई भी अच्छे फिक्स डिपॉजिट में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट में आप ये पैसा पास करके रख सकते हो, जो कम से कम क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से अच्छी रेटिंग रखता हो, या ट्रेजरी बिल्स में पार्क कर सकते हो, या फिर किसी मेच्योरिटी एज। और अगर आपका पैसा इंडिया में ही है एक बार, तो आप किसी भी इंडियन बैंक के अच्छे फिक्स डिपॉजिट लिक्विडिटी फंड में पार्क कर सकते हो, ताकि इमीडिएटली आपको पैसा मिल सके। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट एरियाज थे ईसीबी के लिए जो आपको रेज करने। ओके, एंड यूज इट फॉर दिस अटेम्प्ट ओनली, नॉट फॉर नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसके लिए मैं बोलूंगा जस्ट रेफर योर क्लासरूम। जितना हमने क्लास में स्टडी किया है, जो मेनली हैंड रिटन नोट्स है उसके हिसाब से, बस उतना ही रेफर करो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है रेफर करने की। मैं पूरे क्लास नोट्स आपको दे भी चुका हूँ, सॉफ्ट कॉपी भी दे चुका हूँ। हाँ, इतना बड़ा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्लास में जितना दिया है बस उतना ही स्टडी करोगे, दैट इज एक्चुअली सफिशिएंट। ओके, सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एज सच इज अ बिग चैप्टर, डोंट पुट ऑल योर एनर्जी इनटू दिस।
ओके, बिकॉज दिस वॉज लेटली अमेंडेड, इसलिए मेरी चैप्टर बहुत बड़ा हो गया था. ओके, नाउ कमिंग टू अनदर वन, दैट इज कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये बोला जाएगा. एक्सप्लेन दी प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट फंक्शन ऑफ द डेवलपमेंट कमीशन. एक डेवलपमेंट कमीशन के रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ओके, एक डेवलपमेंट कमीशनर से एक्सपेक्टेशन क्या रखी जाती है. वो गाइड होता है, वो पूरे जोन को चलाता है, पूरे जोन को मैनेज करता है, पूरे जोन के अंदर परफॉर्मेंस कोऑर्डिनेशन देखता है. तो ये कई सारी चीजें आती है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए आप रिपोर्ट करेंगे. प्लस इसके साथ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स क्या होते हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स स्टेबलाइज होते हैं. ये इंडिया के बाहर के बैंक के ब्रांचेस है जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ओपन होते हैं. ये लोग बैंकिंग लाइसेंस ओनली फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया एसबीआई की ब्रांच जापान में भी है, तो इंडिया में वो एसबीआई है. इंडिया के बाहर इंडिया के सी शोर को क्रॉस करके ऑफशोर बैंकिंग हो चुकी है, तो ओवरसीज ब्रांच हो सकते. उसी तरह वहां के ओवरसीज ब्रांचेस इंडिया में, जो जापान के बैंक की ब्रांचेस है, तो आप सरप्राइज हो जाओगे, उस ब्रांचेस को हम लोग ओबीयू बोलते हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स. आपको इंडिया में ऑपरेट करने के लिए आरबीआई की परमिशन लेनी होगी ओबीयूज के लिए, और फिर आप ओबीयूज को इंडिया में ऑपरेट कर सकते हो. अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एप्लीकेशन हाँ, से एनी एप्लीकेशन फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स इन एस बी दैट इज मेड टू आरबीआई, पर आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी. आरबीआई विल इम्पोज कंडीशन. आरबीआई, तो जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, चेन्नई के एस सी जेड में आबू धाबी बैंक की ब्रांच है. अब पूरे इंडिया में आबू धाबी बैंक ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि हमने कभी परमिशन नहीं दी, लेकिन चेन्नई के एस सी जेड में कर सकता है क्योंकि वो मेरे लिए फॉरेन टेरिटरी है. तो वो ऑपरेट कैसे कर रहा है सर, आरबीआई की परमिशन से. नो डाउट बैंक की ब्रांचेस है, बैंक की ब्रांच चलाने के लिए आपको आरबीआई की परमिशन चाहिए. यस, भले ही आप एस सी जेड में क्यों ना हो, तो आरबीआई को आप एप्लीकेशन करो, वहां से परमिशन लो, देन यू कैन, दे विल इम्पोज द कंडीशंस एंड देन. बैंकिंग बिल्कुल नहीं, होंगकॉन्ग नॉर्मल. की बैंक है वो अगर है ना खोल उसको हम लोग ऑप्शन नहीं बोलेंगे, उसको इंडियन बैंकिंग लाइसेंस लेना होगा, समझा. वो ऑफशोर नहीं हो सकता. ऑफशोर का मतलब होता है हमारे हमारे फॉरेन एंटिटी यानी फॉरेन प्लेस में उस बैंक की ब्रांच हो. जैसे मैं इंडियन का पार्ट मानता ही नहीं, तो मेरे लिए वो ऑफशोर हो. ओके, समझा. सर यहाँ पहले से बैंक है उसने एसईजेड में किया महाराष्ट्र बैंक में एसईजेड में खोला तो ऑप्शन है तो अगर आपका महाराष्ट्र बैंक एसईजेड में खोलता है, तो वो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स हो सकता है, पर उसको हम लोग आईएफएससी सेंटर्स में से खोलते, आईएफएससी में खोल सकता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. जो आपने स्थिति में पढ़ा था, डीआईएफटी सिटी दिखाई थी, जस्ट तो बड़े एक्सक्यूज बड़े दिखाई मी, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 दे का. ये फंक्शन एक्चुअली सिंपल, ये एक गाइड है. इसका मतलब पूरे डेवलपमेंट कमीशन पूरे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कंट्रोल करता है, और वो समझ लो वहां का मालिक है, तो वो भाड़े पे देता है. तो वो बताता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको क्या करना है, कौन से एक्सपोर्ट्स के लिए आप उसको एसईजेड को यूज कर सकते हो, प्लस आप किससे कोऑर्डिनेट करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के लिए. तो सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम के हिसाब से वो लोग पूरा डिपार्टमेंटलाइजेशन बताते हैं. प्लस आप परफॉर्मेंस अप्रेजल को, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का काम भी डेवलपमेंट कमिश्नर करता है. प्लस उसके साथ साथ ये आपको फंक्शंस भी डिजाइन करता है कि लॉ के हिसाब से क्या क्या फंक्शंस आपको परफॉर्म करने चाहिए. मतलब जीएसटी का कंप्लायंस, इनकम टैक्स का कंप्लायंस, आपने जो रिपोर्टिंग की, कस्टम्स मैनुअल का कंप्लायंस, आपके गुड्स में कोई अगर वहां पे आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस या फैक्ट्री है तो उसका कंप्लायंस, ये सब आपको रिपोर्ट करना है.
प्लस सच अदर फंक्शंस जो से गवर्नमेंट देती है, एंड डेवलपमेंट कमीशन आपसे रेगुलर इंफॉर्मेशन लेता है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि आपका एक कमिटमेंट होता है कि हर साल मैं इतना एक्सपोर्ट करके दूंगा। अगर आपने वो कमिटमेंट नहीं मीट किया तो पेनल्टी पड़ सकती है। ओके, अब वो पेनल्टी वो एज पर लॉ के हिसाब से पड़ेगी, लेकिन पेनल्टी पड़ सकती है। तो आपका कमिटमेंट आपको हर साल मीट करना, कमिटमेंट के लिए डेवलपमेंट कमीशन आपसे रेगुलर इंफॉर्मेशन मांगते जाए, और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप वो कमिटमेंट मीट करने के कितने पास या कितने दूर। ओके, क्लियर? सो दैट इज व्हाट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर कम्स इन। प्लस उसके साथ साथ हम लोग ने ये भी देखा पावर क्वेश्चंस, बाकी ठीक है, बाकी आप क्लास के नोट्स भी पढ़ते जाओगे चलेगा। एक ऑप्शनल बैंकिंग यूनिट था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, जरूर देख के जाना। हाँ ठीक ओके, क्लियर? एंड एक ये क्वेश्चन, नहीं ये वाला, ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना। दैट इज, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी की पावर सुपरसीड कर सकता है? ओके, तो ऐसी दैट अथॉरिटी होती है जो पूरे एरिया में, हर एक एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन काम कैसे करें। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे एक होता है आरडी, रीजनल डायरेक्टर, उसी तरह ऐसी दैट अथॉरिटी। ओके, डेवलपमेंट कमिश्नर हमारे आरओसी की तरह है और उसके ऊपर आती है ऐसी दैट अथॉरिटी। तो ये एसिजेड अथॉरिटी अगर ठीक से काम नहीं कर रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन सारे लोगों को बाहर निकाल के सारी ताकत अपने हाथ में लेता है, और फिर सारी फंक्शंस देखने के बाद, यानी चारों चाबी सब लेने के बाद, एक नया मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, फिर उनको दे। सो सुपरसीड करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो सारा परफॉर्मेंस, अनेबल टू परफॉर्म, परसिस्टेंटली डिफॉल्ट हो रहा है, तो उनसे अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है, तो उनसे सारा फंक्शन हाथ में ले लेगा। फिर एज पर नोटिफिकेशन, एक नया चेयरपर्सन और मेंबर्स जो भी रहेगा, ओके, भले उनका टर्म एक्सपायर नहीं होगा, दे हैव टू वेकेट द ऑफिस, उनके सारे फंक्शंस ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद परफॉर्म करेगा, एंड उन्होंने जो भी काम किया है सुपर सेशन देयर टू, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। यहाँ तक कि उनके साथ में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो भी गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेता है, एंड ये पूरा एक्सपायरेशन होने के बाद उनके सारे नोटिफिकेशन कैंसिल करके, ओके, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, ही कैन रिकॉन्स्टिट्यूट दी अथॉरिटी। तो वही बोला, सारे लोगों को निकाल दिया, फिर नया मैनेजमेंट जैसा अपॉइंट किया, और फिर गवर्नमेंट वापस से उनको ताला जब भी देगा और बोलेगा आप सारे एसिडेट को बराबर से मैनेज करो। ओके, तो ये पूरा काम स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सुपर सीडिंग अथॉरिटी वाला भी पढ़ के जाना। ओके, एंड ये भी एक बार पढ़ के जानू, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे लिए ग्रोथ इंजन, ये हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं, इसके सेलिंग फीचर्स क्या, ये आपको अच्छे से मालूम, बहुत बहुत बार पढ़ चुके हो। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन? इधर नहीं पढ़ने का तो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में पढ़ लेना, उतनी नहीं। ओके, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंपॉर्टेंट जोन है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ वी गो टू फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से व्हाट एग्जैक्टली इज अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, ये वाला पार्ट पढ़ते जाए। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन होता क्या है, और इसमें हाँ ये वाला पार्ट भी ध्यान रखना, क्या इंक्लूड नहीं होता है, व्हाट इज नॉट अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज नॉट अ फॉरेन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट इज अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है, जिसमें हमने पढ़ा था गिफ्ट, डोनेशन, आर्टिकल्स वगैरह, एंड यहाँ पर आपको मिलता है डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस दैट डज नॉट अप्लाई टू फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज नॉट अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, देन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का डेफिनेशन, एंड ये बोलते अ पर्सन विच कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, पर्सन विच कैन नॉट, सेक्शन 3 का पार्ट, कौन लोग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। सर बच्चे में ये बच्चा बोला
है ना, और डिफाइन फॉरेन हॉस्पिटल आइए एड फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या निकल इन ईसीबी फॉरेन ब्रांच और सब्सिडरी ऑफ द इंडियन कंपनी आर एलिजिबल लेंडर बट व्हाई दे आर इनएलिजिबल इन एमएमटी व्हाई दे कांट प्लेस ईसीबी। निकल आप ये समझ नहीं पा रहे ईसीबी रेज करने के लिए हमें इंडिया के बाहर के जो एलिजिबल लेंडर होते हैं उनको काउंट करना। इफ यू हैव अ फॉरेन शेयर होल्डर हु इज कंसिडर्ड एज अ फॉरेन ब्रांच और अ फॉरेन सब्सिडरी दे कैन बी एलिजिबल लेंडर इफ दे आर अर्निंग दैट मच फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ओके लेकिन मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी हम उन्हीं से लेते हैं जिसके अंदर मुझे ईसीबी लाइक लोन फ्रॉम योर नोन बॉडी कॉर्पोरेट अपनी ही ब्रांच अपनी ही सब्सिडरी से लोन देना इज कवर्ड इन फॉरेन बोरोइंग्स रेगुलेशंस फेमा बोरोइंग्स के अंदर इट इज नॉट कवर्ड इन ईसीबी पार्ट बिकॉज ईसीबी में वो आपको 5 साल या 10 साल का कमिटमेंट देंगे तो बात हो। तो ईसीबी में कौन कवर हो रहा है आपके इक्विटी लेंडर्स या फिर फॉरेन एंटिटीज जो आपको लोन दे रहे हैं उनको कवर किया। इसलिए एमएएमपी नॉर्म्स जो है हम उनमें उनके लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं जो एक्चुअली एक तरह के लेंडर्स है आपके खुद की सब्सिडरीज से आपके खुद के उनसे लोन लेना इज जस्ट फॉरेन बोरोइंग्स। ओके और इतना बड़ा अगर वो कमिटमेंट दे पा रहे हैं तो फिर आपको मालूम पड़ना पड़ेगा कि वो इंडिया के बाहर ऐसा क्या काम कर रहे हैं। आर दे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी इफ यस देन हाउ आर दे सब्सिडरीज ऑफ यू समझे। वो देखना चलिए तब तक मैं बात करूंगा। तो सेक्शन 3 के हिसाब से सी द डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग बोरोइंग्स में से जैसे मैंने आपको बताया अगर 1 साल तक की आपको बोरोइंग्स होगा तो इट इज कवर्ड इन द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ पेमा। अगर आपका 3 साल तक का होगा इट इज कवर्ड इन द ट्रेड क्रेडिट रूल्स। इट इज 5 ईयर्स एंड अबव इज कवर्ड इन सीसीबी दैट इज द डिफरेंस। तो इसके ऊपर तो पेमा नॉर्म्स लग जाएंगे पेमा बोरोइंग्स एंड रेगुलेशंस। भूल गया अच्छा बताया जब आप अपने ही लोगों से डोनेट करते हो तो वो अपनी प्राइवेट फंडिंग के लिए होता है। इट्स कॉल्ड एज जस्ट मिनिमम द बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमें कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट्स मीट करनी। और इसीलिए रेज करने का पर्पज क्या होता है इंडिया के बाहर के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अचीव करनी। ओके क्योंकि इंडिया में तो मैं लोन वैसे भी रेज कर सकता हूँ ठीक है। अच्छा ये पार्ट याद रहेगा तो अच्छे से याद रहेगा इलेक्शन कमीशन कार्टूनिस्ट कॉलमनिस्ट ओके पर्सन एंड मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेचर पॉलिटिकल पार्टीज एसोसिएशंस ये लोग इंडिया के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते बराबर। नो डाउट इसका एक्सेप्शन भी हमने स्टडी किया था बट इस चीज पर ध्यान रखिए। देन इसका मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन ये अपने नाम पे नहीं ले सकते। अगर तू एक पॉलिटिशियन है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो तुझे कोई गिफ्ट डोनेशन वगैरह दे रहा है या तेरी किसी एंटिटी को दे रहा है जिसमें तू सिग्नेटरी है तो बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के तो तू नहीं ले सकते। अगर वो फैमिली है तो कर सकते हैं राइट, फैमिली है तो लाइक मतलब अपना जो फैमिली है तो लाइक मेरी मैं मदर हूँ मेरी डॉक्टर फॉरेन में रहती हूँ तो वो वहां से मुझे भेजिए और पॉलिटिशियन को रिलेटिव हाँ वहां से ले सकती है पर वो तो रिलेटिव्स के साथ। ओके ना देन हाँ ये पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन हॉस्पिटैलिटीज और किसे फॉरेन हॉस्पिटैलिटी यानी हो के अंदर परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये लोग हैं जैसे एमपी एमएलए जजेस ये लोग अगर इंडिया के बाहर जाते हैं तो इन्हें कंपलसरी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नॉर्म लगेगा एंड इन्हें एज सच कोई परमिशन की जरूरत नहीं है अगर ये लोग 1 लाख रुपए से ऊपर या मेडिकल इमरजेंसी के लिए खर्चा करते हैं। हाँ अगर मेडिकल इमरजेंसी में उनके ऊपर खर्चा हुआ है जो लिमिट्स यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो इनको रिकवरी करते ही गवर्नमेंट को बताना है कि आई एम सो एंड सो और पहले मतलब क्लेम कर लिया
फिर उसके बाद बताया मतलब क्लीन सर ये सर रिकवरी मतलब से हॉस्पिटल से तो तो बाद में आपको बाद ठीक में हो, फोन किया तो आपको ठीक होने के बाद ही बताना 30 दिन के अंदर। हाँ तो 30 दिन में तो घर आ ही जाओगे। या वी आर कमिंग टू कॉम्पिटिशन ऑल्सो, वो भी आ जाए फ्रेशन बुक्स। ओके देन ये जरूर पढ़ लेना, व्हाट इज कॉन्फिस्केशन एंड एडजुडिकेशन प्रोसेस। देखिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में अगर किसी के पास कोई आर्टिकल या करेंसी मिलती है विच इज लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, ओके, क्योंकि उसने बिना अप्रूवल के ली है, तो इससे जबरदस्ती पुलिस खींच के ले जाएगी। ओके जैसे मैंने बताया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बिना अप्रूवल के कैसे लेके आ रही है करेंसी, तो उससे पुलिस खींच के लेके जा सकती है। यहाँ तक कि एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन मे बी एडजस्ट विदाउट लिमिट बाय द कोर्ट ऑफ सेशन विद इन द लोकल लिमिट। ओके तो कोई भी मैटर कहाँ जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन जब एक ऑर्डर पास करेगा कि इनके पास ये जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन पड़ा है ये इन्होंने बिना परमिशन के लिया है, तो इसे छीना जा सकता है। इन दिस केस द एडजुडिकेशन शैल बी डेल्ट बाय द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सेशन जज एंड द सेशंस और द असिस्टेंट सेशन जज ऑर्डर्स पास कर सकता है। बाकी नो ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन विल बी पास अनलेस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज बीन गिवन अगेंस्ट द कॉन्फिस्केशन हैज बीन मेड फ्रॉम हुम द आर्टिकल करेंसी हैज बीन सीज्ड। तो इन बातों का ध्यान रखने का है व्हेन देयर इज अ हेड यू कैन से कॉन्फिस्केशन एडजुडिकेशन। ओके तो अगर आपके पास इलीगल फॉरेन करेंसी गिफ्ट आर्टिकल्स वगैरह है जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको सरकार को बताना है, तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, केस का जाएगा कोर्ट ऑफ सेशंस में, असिस्टेंट सेशन जज या सेशन जज उसको सुन सकता है और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद ही इसका निर्णय। ओके क्लियर। देन इसके साथ साथ यस ये आप केस स्टडी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। अमित इज अ डायरेक्टर, इंडिया के बाहर गया था, मेडिकल इमरजेंसी हुई थी और वो बीमार पड़ा था। ओके एंड यस द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इज टू लीगलाइज फॉरेन डोनेशंस। तो इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, ओके वो एक बार पढ़ के जानो, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ कैसे। ओके एंड ये भी एक बार पढ़ के जानो, व्हाट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इफ ये हो ही गया। When can the assets be created out of foreign contribution? So December 23 का था that any person who wants permitted to accept the foreign contribution ceases to exist or becomes defunct. Okay, all the assets of such person shall be disposed of in accordance with the provision of law for the time being imposed, which person was registered incorporated in the absence of such thing. मतलब हमने एक स्कूल के लिए डोनेशन दिया था, वेरी गुड, अब वो स्कूल बंद हो गया है और उसके नाम पे जो डोनेशन का पैसा पड़ा था उसका क्या करें, तो दैट विल बी सीज्ड बराबर। तो वो कंपनी वो एंटिटी वो स्कूल डिफॉल्ट हो गया है, उसके सारे एसेट्स हम लोग डिस्पोज ऑफ करेंगे सीज करने के बाद। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द एसेट्स ओके क्रिएटेड आउट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाई दैट ऑल सच एसेट्स विल बी डिस्पोज बाय द अथॉरिटी इन द मैनर स्पेसिफाइड एंड द प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब। तो जिसका कोई नहीं होता उसकी सरकार होती। तो अगर वो स्कूल का कोई नहीं है कोई टेंशन नहीं है ना, सरकार सरकार ले लेगी सारा एसेट्स, बेच के सारा तरीका से डिस्पोज करने का काम सरकार। ओके क्लियर फाइन। सो दैट इज अबाउट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट। देन अदर एक्ट कम्स इन टू पिक्चर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर
प्रोसीजर आप दी ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये बढ़ते जाइए, दी ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग से हमें फायदा क्या है, दिस भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको इस बार के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, बाकी आपकी तरफ से जो इम्पोर्टेंट है वो तो पढ़ना ही है, इनफैक्ट सारा इम्पोर्टेंट। ओके, ये तो एक्सीडेंट हो। तो यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी पूछा जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन अलॉन्ग विद द पेनल्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मनी लॉन्ड्रिंग तरीका क्या होता है, लेजिटिमेट क्रिमिनलाइजेशन कैसे होते हैं और उसके ऊपर आप एक्शन क्या लेते हो। ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये भी पढ़ के जाना क्योंकि इससे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ओके, एंड ये वाला ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इकोनॉमिक क्राइम है। सो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज अ इकोनॉमिक क्राइम, व्हाट डू यू हाउ डू यू डिफाइन मनी लॉन्ड्रिंग एंड व्हाट इज द पेनल्टी इन मनी लॉन्ड्रिंग। ओके क्लियर, डू दैट वेल प्लस व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो भी आपको पैसा मिलता है उसके बारे में पूरी जानकारी, उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना, 5 साल तक कॉन्फिडेंशियलिटी रखना और जब भी डायरेक्टर मांगे उसको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते रहना। ओके, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, दैट हैज टू बी डन। देन व्हाट इज द इनिशिएटिव टेकन बाय मनी लॉन्ड्रिंग फॉर ग्लोबल सेंस, फाइनेंशियल एक्शन का क्या होती है, ग्लोबली हमने क्या काम किए हुए, इंडिया ने इसमें कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो जिनेवा कन्वेंशन हुआ था, यूनाइटेड नेशन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आई थी, सॉरी वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन हुआ था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आई थी एंड बेसिल नॉर्म्स कमिटी आए थे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिव्यूज क्या है, उसकी कमेटी क्या है, स्प्रेडिंग मनी लॉन्ड्रिंग के इन्फॉर्मेशन प्लस इंडियन इनिशिएटिव दैट हैज बीन टेकन सो फार। ओके, इन बातों को पूरी तरह कवर करना, मनी लॉन्ड्रिंग फाइनेंशियल यूनिट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें। ओके, ये हो ही रहा है फाइनेंशियल डिक्शन का स्कोर का, फिर भी माफ करके रखना नहीं होगी, बाकी है ना सेम ही है फाइनेंशियल डिक्शन का स्कोर का, बट क्वेश्चन पॉकेट के रखना, दे आर एक्सपेक्टिंग दिस पार्ट। एंड फ्यूचरिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडेंस, प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचरिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडेंस, ये पढ़ते हैं, प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक। सो एक एफपीओ को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसके अंदर एक नोटिफिकेशन डालते हैं, उसको आने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, प्लस उसके साथ एक एप्लीकेशन फाइल होती है, प्लस उसको डिक्लेयर करने के बाद अगर वो कोर्ट के सामने अपीयर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव वो इंडिया से छोड़ के भाग चुका है, उसका आने का कोई इंटेंशन नहीं है, उसके लिस्ट ऑफ क्राइम्स स्टडी करने के बाद द कोर्ट डिक्लेयर्स हिम एज एफपीओ। ओके, सो ये पूरा पार्ट आप पढ़ चुके हो, व्हाट इज द एफपीओ रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट इज द प्रोसीजर। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, एफपीओ की प्रॉपर्टी को अटैच कौन करता है, स्पेशल डायरेक्टर्स के अप्रूवल के साथ डिप्यूटी डायरेक्टर्स अटैच करता है, जहां पे मतलब पड़ा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर तो उसकी प्रॉपर्टी का अटैच करके उसको सेल ऑर्डर लेना पड़ता है, फिर ऑप्शन करके निकालते हैं, जैसे विजय माल्या की प्रॉपर्टी का पूरा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा। ओके, तो
रूल ऑफ एविडेंस पढ़ लेना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ दैट इंडिविजुअल फ्यूजरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है कि नहीं, वो अगर कोई पुलिस वाला डिक्लेयर कर रहा है तो उसके ऊपर है, और अगर वो सामने वाला बोल रहा है कि अब मैं नहीं हूं तो उसे साबित करना है कि वो फ्यूजरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है। ओके, तो फ्यूजरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ किसका होता है, दैट इज इंडिविजुअल जो फ्यूजरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, ही हैज टू प्रूव दैट ही इज नॉट, एंड अगर उसकी प्रॉपर्टी लेके जा रहे हो तो पुलिस वाले को साबित करना है कि ये प्रॉपर्टी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के तो मैं लिखे था। ओके, सो इन दैट केस द अथॉरिटी हैज टू, द डायरेक्टर और द पर्सन ऑथराइज्ड हैज टू फाइल एन एप्लीकेशन इन दिस। ओके, सो हु हैज द बर्डन ऑफ, लास्ट हां सेकंड नॉट विथस्टैंडिंग लास्ट एनीथिंग कंटेंट फॉर द एंड वेयर अ पर्सन क्लेम्स दैट द इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड बोनाफाइड एंड विदाउट नॉलेज ऑफ द फैक्ट, then such property constitute a crime and the burden of proof is on that person. Simple है, भूल गया, simple। let's say तूने अभी recently एक घर खरीदा, okay, पापा और तूने मिलके एक घर खरीदा, और खरीदने के 2 साल के बाद घर पे पुलिस आ गई, पुलिस आके बोलती है ये घर जिस आदमी से आपने खरीदा था वो फ्यूचरिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो तू क्या बोलेगा, मुझे थोड़ी ना मालूम था सर, जब वो इंडिया में घर बेच रहा था तब क्या फ्यूचरिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर था, नहीं, नहीं। तब तो इंडिया के अंदर ही था, तब तो बराबर से मेरा एग्रीमेंट बराबर है, मैंने पैसे दिए, 2 साल हो गए सर, अब आप बोलते हो फ्यूजरेटिव था, उसका घर वापस लेने आए हो, तो ना चलेगा। तो ये लिखा है कि नॉट विथस्टैंडिंग अगर एक पर्सन क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने लीगली खरीदी और ये किसी फ्यूजरेटिव की नहीं है, तो उस पर्सन को प्रूव करना है कि उसने इसको लीगली खरीदी, तो फिर कोर्ट उसे छोड़ दे, उस प्रॉपर्टी को टैक्स नहीं कर। आप समझ रहे, बट अगर वो सच में फ्यूचरिटिव वाला है और अगर एग्रीमेंट किया है तो फिर क्या होगा, फिर तो वापस तुम्हें तो चला जाएगा। प्रॉपर्टी मिल गई ना, देखो तुमने बराबर से एग्रीमेंट किया, इसका मतलब तुमने सामने वाले को पूरा पैसा दे दिया, तो इसका मतलब फ्यूजरेटिव इकोनॉमिक अंडर पैसा लेके गए ना, तुमने फ्यूजरेटिव इकोनॉमिक का कोई काम नहीं किया है ना, तुम कोई गलत काम में नहीं, इसलिए प्रॉपर्टी तुम्हें वापस दे दी जाएगी, उसे पकड़ा जाएगा जो पैसा लेके गए। ठीक है, समझ में आया, दैट वाज द इंग्लिश। ओके, एंड चलिए कमिंग टू बेनामी, बस नाम ही का, ओके, इस बार ये डेफिनेशंस के पार्ट को जरूर देख के जाना, बेनामी, बेनामी दार कौन होता है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, बेनामी प्रॉपर्टी क्या है, ओके, इन डेफिनेशन को जरूर देखे जाना, बिकॉज ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इंक्वायरी करते हैं। ये वाला पार्ट, बेनामी प्रॉपर्टी का इफ यू आर नोटिस एंड अटैचमेंट कैसे होता है, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर वो नोटिस इश्यू करता है सामने वाले को ये साबित करने के लिए कि आपकी प्रॉपर्टी बेनामी है या नहीं, ये साबित, हमारे पास जो सबूत है जिसके बेसिस पे ये बेनामी है, ओके, आप उस नोटिस के हिसाब से अपना रिप्लाई फाइल करो, और अगर आपने फाइल किया तो 90 डेज के अंदर वो उसको रिव्यू करेगा, फिर वो ऑर्डर पास करेगा। अब उस ऑर्डर में अगर आपको छोड़ दिया केस फाइल, लेकिन नहीं छोड़ा, तो फिर वो हियरिंग के लिए कोर्ट में केस फाइल करेगा, और फिर मैटर कोर्ट में पहुंचेगा, और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ये ऑर्डर पास करेगा कि अगर अगर ऑफिसर ने आपकी प्रॉपर्टी पे अटैचमेंट लिया था, जिसे हम लोग टेक्निकली प्रोविजनल अटैचमेंट बोलते हैं, ये वो, तो वो अटैचमेंट कंटिन्यू रहेगा, मतलब पिछले महीने आपके अंकल की प्रॉपर्टी पे, काका की प्रॉपर्टी पे अटैचमेंट लिया था, वो अभी भी चलेगा, और अगर पिछले महीने कोई अटैचमेंट नहीं लिया, आपने बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया था, कोई अटैचमेंट नहीं हुआ, तो अब अगर कोर्ट कहेगा तो अटैचमेंट हो सकता है। अटैचमेंट का मतलब आपके काका घर पे रहेंगे, बस वो प्रॉपर्टी बेचने का हक हाँ नहीं रखते, ओके, कब तक, जब तक केस चल रहा है, केस में अगर आप जीत गए तो अटैचमेंट निकाल दिया जाए, केस में अगर हार गए तब मैटर गड़बड़ हो गया, फिर ये मैटर स्पेशल कोर्ट में जाएगा जहां पे फिर क्रिमिनल केस के साथ प्रोसीजर चलेगा,
तो इस बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ऑफिसर पास करता है ऑर्डर्स को एंड इमीडिएटली एक्सक्लूडिंग दी अदर पार्टीज, ये पूरा पार्ट अपन ने पढ़ा हुआ है कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हम उस एसेट को बेचने का ऑर्डर निकाल चुके, अटैचमेंट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसका मतलब ऑफिशियल रिसीवर आके बैठ और प्रॉपर्टी का ऑक्शन नोटिस निकलता है, प्रॉपर्टी बिकती है, सरकार पैसा लेती है, जिस जिस लोगों का पैसा बाकी था दे देके फिनिश केस हो गया। एंड ये भी एक बार पढ़ लेना, इन व्हाट मैनर टू हुम द नोटिस इज टू बी सर्व। इसका सर इसी के अंदर ही है सेक्शन 30-31। जैसे अभी तक आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, अगर आप मॉडल खोलोगे तो मिल उनका जाएगा सेक्शन 25 के हिसाब से, व्हाट इज द मैनर टू हुम इट इज अटैच। तो यहाँ पे आपको सिविल कोर्ट के पावर्स का एक्सरसाइज करने का पूरा हक मिलता है। ओके, पीपीसी के हिसाब से एक नोटिस आएगा, नोटिस में उस इंडिविजुअल, उस फर्म को जहां पे आप पार्टनर हो, उस एचयूएफ को जहां पे आप करता हो, उस कंपनी को जहां पे आप ऑफिसर हो, उन सबको ये नोटिस देना पड़ता है। तो इनिशियलिंग ऑफिसर नोटिस किन्हें देता है, इन लोगों को नोटिस देता है। ओके, देन यस अपील्स टू अपेलेट। अगर आप ऑफिसर्स के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में 45 डेज के अंदर अपील फाइल कर सकते हो। ये अपील का प्रोविजन जो आप लोगों ने फेमा को पढ़ा था काफी सिमिलर है अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो आप यहाँ पे 45 डेज में अपील फाइल कर सकते हो। एनी पर्सन 45 डेज में अपील फाइल कर सकते हैं। अपील के साथ आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, और अगर आप साबित कर सको कि आप इन्वॉल्व नहीं हो तो वो वेव ऑफ भी हो सकता है। ओके, प्लस अपीलेट ट्रिब्यूनल को मिलने के बाद अपील के डिसीजन को दैट इज डिसाइड किया जाएगा, दैट इज एडिशनल एविडेंस लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बुलाया जाएगा, इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे। ओके, एंड फाइनल ऑर्डर विल बी पास एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल विल हियर एंड फाइनली डिसाइड द अपील विद इन 1 आवर। ओके, क्लियर? सो अपील के प्रोविजंस को इस तरह से लिखा जाएगा, याद रखना। बाकी ठीक है, बाकी इसके अंदर आप पिछले जो लास्ट के 5-6 केस स्टडीज है देख के जा सकते हो बेनामी के, क्योंकि ये उतने ही ज्यादा आए हैं, ये एडिशनल केस स्टडीज तो मैंने अपनी तरफ से डाल दिए थे। बाकी पिछले 5-6 केस स्टडीज जो है वो देख के जा सकते हो, बिकॉज वो सिंपली आए थे, जैसे ये वाला केस स्टडी है या 2 अटेम्प्ट थे, ज्यादा कुछ नहीं। तो बेनामी के डेफिनेशन में आया था, पूरा डेफिनेशन नहीं लिखना है, रिलेवेंट पार्ट लिखना है। ठीक हाँ, लॉ के 2-3 केस स्टडीज का पेश किया। ओके, बाकी सब जो लॉ का पार्ट है उतना भी रेफर किया, दैट इज प्रोफेशनल। ठीक है, फाइन। सो नाउ वी आर ऑन कॉम्पिटिशन एक्ट। ठीक है, अब कॉम्पिटिशन एक्ट के क्या प्रोविजंस है टू स्टडी दैट, लेट्स टेक 15 मिनट्स ब्रेक, फिर स्टार्ट। 15 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद मैं कॉम्पिटिशन एक्ट से स्टार्ट करता हूँ, कॉम्पिटिशन, कंज्यूमर एंड लीगल मेट्रोलॉजी एंड रिटर्न। Just give me 15 minutes, right? System is on. व्हाट आर द कंडीशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इसकी जो गाइडलाइन आंसर है काफी अच्छा है, जो गाइडलाइन आंसर है ना वो काफी फॉर्मेटिव सेक्शन है, जो आईसीएसए की गाइडलाइन आंसर है ये। हां मैंने निकाला है इसे पढ़ना है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, ये सर एलएलपी जो होता है तो एलएलपी पार्टनरशिप होता है, तो उसका थोड़ी हेल्प करेंगे। चलो बेटा कार्ड ये सर बताएंगे, बोलो तो सही। एक ही सर बड़ा सर
कॉलेज सर ठीक है, ऐसे थोड़ी देर पहले हाँ उसपे टिक करा है सर आपने? हेलो ठीक है, एलर्जी इंटरलैंग्वेज पार्टनरशिप और ये बोला भी कि पिछले अटेम्प्ट में आया भी है। तो तो एक बार एक्सप्लेन करो ना, व्हाट आर दी कंडीशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी? हमने एग्जाम्पल दिया था तेरे अंकल इंडिया के बाहर और वो तेरे में इन्वेस्ट करना चाहते। पहली बात अंकल पाकिस्तानी बांग्लादेशी, फिर दूसरी बात अंकल फॉरेन वेंचर कैपिटल या फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टर नहीं होने चाहिए। एलएलपी हमेशा ऑटोमेटिक वो नहीं पैसा देता है। एलएलपी के अंदर फॉरेन एफडीआई डाउन स्ट्रीम कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। एलएलपी में इन्वेस्टमेंट आप जब लोगे तो आप इन्वेस्टमेंट तीन रूट में ले सकते हो, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन या अगर आपके एग्जिस्टिंग एलएलपी है तो प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर करना, या फिर आप ऐसे ले सकते हो कि जिसमें से आप एलएलपी में इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर जैसे हम लोग लोगे ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से एलएलपी के डीड के हिसाब से ले सकते हो, डीड डेढ़ बोले तो सर के एवरीवन हिसाब से। सो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, फिर अंकल अपने शेयर ट्रांसफर भी कर सकते हो, तुम भी ट्रांसफर कर सकते हो। अंकल, आपने तो ये बताया था पहले ही केस में कि मतलब अंकल कुछ इन्वेस्टमेंट करना रहता तो वो लड़की को फोन लगे पूछते हैं तो। हाँ हाँ तो एलएलपी का पूरा बताया क्या, लिखवा चुका हूँ सर, जाके चेक कर लो। माफ करना हाँ चलो अच्छा है, सर। चलो प्रोसीड करें। बोलो तो सर, ब्रेक 15 मिनट और करना सर, 15 मिनट हो गए, उसका 5 मिनट और दे दो, कितना आपकी तो नहीं वो तो अभी दिखा देता हूँ सर। चलिए। हाँ ये सर अभी करवाएंगे नहीं ना सर। मेरे पास है पीडीएफ किसी की वेबसाइट पे अपने को प्रेजेंट नहीं सो कमिंग बैक नाउ टू करना। कंपटीशन एक्ट। ओके सो तो सर कंपटीशन एक्ट में हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली बार ओके इसमें आई भी बता सी जाए। बहुत कंपटीशन एक्ट में हाँ आपके बोलते तो ये वाला प्रोविजन पढ़ के जाना। कंपटीशन एक अपने आप में इम्प्रूवमेंट है एमआरटी के ऊपर। कंपटीशन कुछ एक नया कंसेप्ट है ओके, और इसने एमआरटी को रीजनरेट किया। ठीक है देन सर, डेफिनेशन तो सर डिफाइन डिफाइन एक्विजिशन ये वाला डेफिनेशन करके जाना कार्टल। मोस्ट ओके कार्टल होता क्या है, कार्टल किस नेचर में होता है। कार्टलाइजेशन ग्रुपिज्म होता है जहां पे प्रोड्यूसर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स सब लोग आके किसी भी तरीके से प्राइस प्रोडक्शंस वगैरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाट द आइडिया इज बिहाइंड कार्टल। ओके देन कार्टलाइजेशन के बाद एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स क्या होते हैं। ओके काफी बड़ा एरिया है डिस्कशन का, बड़ी अच्छे से करके जाना। तो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स कई बार आया है अलग अलग तौर पे। जैसे एंटी कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट्स क्या है, टाइम एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, रिफ्यूजल डील। ओके टाइम एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ये अपने आप में शॉर्ट नोट्स में भी कभी कभी पूछे, कभी कभी इन्होंने बिड रिगिंग कॉलिजियल बिडिंग का भी शॉर्ट नोट पूछा, ऊपर आपको सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है एक काफी बड़ा एरिया ऑफ डिस्कशन रह चुका है। एंड एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस ये एग्जाम में मतलब यहाँ तक ये पूरे एग्जाम्पल के साथ करके जाना। ओके व्हाट आर द कंडीशंस कंड्यूसिव टू कार्टलाइजेशन, ये बात। ओके तो कार्टलाइजेशन होने के पीछे के रीजंस क्या होते हैं, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कम है, एंट्री बैरियर्स काफी हैं, लोग जल्दी से नया बिजनेस खोलते नहीं है। आज धीरे धीरे देखो एयरलाइंस इंडस्ट्री में कार्टलाइजेशन है, इलेक्ट्रिक जनरेशन इंडस्ट्री में कार्टलाइजेशन चलती जा रही है, अब धीरे धीरे मार्केट में कार्टलाइजेशन और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी आ रही है, क्योंकि ज्यादा प्रोसेसर्स फूड वाले बचे नहीं है। तो कार्टलाइजेशन धीरे 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 करके कई सेक्टर्स में घुसते जा रहे ग्रुपिज्म हैं। ग्रुपिज्म मतलब कि तुम सब लोग एक ही जैसे हो, जैसे तू भी ड्रेसेस में डील करते, ये भी ड्रेसेस में डील करता, ये भी डील करता, तुम लोग सब अपना ग्रुप बना देते हो और बोलते हो हम लोग सब प्राइस कंट्रोल करेंगे। एग्जैक्टली
एंड डोमिनेंट पोजीशन होता क्या है, डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज किस नेचर में होता है, प्री रेटरी प्राइसिंग क्या होती है, ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं. ओके, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस क्या है, एंड डोमिनेंस इज नॉट बैड, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस इज बैड. ओके, ग्रुपिज्म, यहाँ पे डोमिनेंस का, ग्रुपिज्म का डेफिनेशन भी है 26% कंट्रोल करना या 50%, एंड प्री रेटरी प्राइसिंग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एरिया रहा है डिस्कशन. ठीक है, ठीक है. फिर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन करने का तरीका होता है सिंपल. अगर अगर मार्केट का मैं लीडर हूं और तू मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट बनाती है और तू उस प्रोडक्ट में छाने की कोशिश करती है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है, उनसे सारा माल मैं खरीद, जो तेरे लिए काम करता है उसको मैं डबल सैलरी रख के अपने पास रख देता हूँ. जो तू लॉन्च कर रही है वो प्रोडक्ट अब मैं लॉन्च कर रहा हूँ तेरे से कम भाव में. ये तो बिजनेस ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल के कोई थी कंपटीशन, याद है टॉट में पढ़ा था, स्कूल के सामने स्कूल खोलना, उसमें कोई पनिशमेंट नहीं. लेकिन आप तो कंपटीशन कमीशन में डाल सकती है केस कि ये बोलते हुए कि सर ये लोग गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज मेरे लोगों को खींच के अपनी तरफ खींच, तो एटलीस्ट सामने वाले को रोका जाता है. जैसे गूगल किसी और सर्च इंजन को तुम्हारे फोन पे आने नहीं देता, फेसबुक इंस्टाग्राम किसी और भी ऐप को, आपको आपको मालूम है फेसबुक इंस्टाग्राम के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन सा है, टेलीग्राम फेसबुक और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की तो व्हाट्सएप का होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम का कॉम्पिटिटर नहीं मालूम, फेसबुक इंस्टाग्राम तुम्हें उस फोन पे आने ही नहीं देता है कि आप उस कॉम्पिटिटर को ढूंढोगे. ओके, आप ढूंढ के देख लो फेसबुक और इंस्टा के कॉम्पिटिटर कौन है. बाकी कॉम्बिनेशन दैट इज जहां पे हम लोग एक दूसरे के साथ मर्जर्स अमालगमेशन कर सकते हो. तो कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन अपने आप में एक एरिया है जो इसको ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन यानी एक दूसरे की तरफ पे एक्विजिशन करना, ओके, मर्जर्स अमालगमेशन. अब ये होता है थ्रेशोल्ड लिमिट्स, इसका मतलब ये होता है कि अगर वैसे ये आने के चांसेस नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन को मैंने मार्क किया है. ओके, थ्रेशोल्ड लिमिट्स आप सिर्फ पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो. ओके, इस बाकी सकते हो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो. और इसमें याद रखना थ्रेशोल्ड लिमिट्स में क्या है कि जहां पर आप एक थ्रेशोल्ड लेट डाउन करते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कॉम्बिनेशन हमेशा सीसीआई के पास आएगा, ऐसी जरूरत नहीं. कुछ कॉम्बिनेशन एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड है इसका मतलब है कि आप अगर लिमिट से कम हो, दैट इज दो कंपनियों का मर्जर हो रहा और वो मर्जर लिमिट से कम है, तो आप सीसीआई के पास मत आए. क्योंकि छोटे छोटे मर्जर तो ना सीसीआई हैंडल करेगा, मर्जर इतना बड़ा होना चाहिए. सोनी ने जी को एक्वायर कर, पतंजलि ने कोलगेट एक्वायर कर ली, मार्केट हिल गई पूरी, ऐसा कोई मर्जर होना चाहिए. तो मर्जर अगर ऐसा है, वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ, जियो एयरटेल एक टाइम के लिए सब नीचे हिल गए. ओके, आज HDFC बैंक ने HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फाइनेंस को एक्वायर कर लिया, HDFC कॉर्पोरेशन एक पोजिशन, ये हुआ मर्जर. SBI ने येस बैंक में 49% स्टेक एक्वायर हुई, ये हुई बात. तो ये बड़ी बड़ी बातें है ना, ये हिलाने वाली बातें. क्लियर, अभी एक नया IPO निकला था वारी सोलर, बहुत लोगों को अच्छा लगा. अब किसी ने वारी सोलर को एक्वायर किया, अदानी पावर एक्वायर्स वारी सोलर, पूरा हिल जाएगा. ये हुआ एक बड़ा सारा मर्ज जिसका इम्पैक्ट इंडिया और इंडिया के बाहर भी आएगा, क्योंकि वारी सोलर ने बहुत बड़ा यूनिट US में डाला है, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया और इंडिया के बाहर भी आएगा. उस थ्रेशोल्ड को बोलते हैं, ओके, कि अगर आप इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा, थ्रेशोल्ड को दो पार्ट में डिवाइड किए, एसेट्स टर्नओवर, तो यहां पर आपको एसेट्स एंड टर्नओवर का बेस मिल जाए, मिल गया. ठीक है, अब जो मैं करता हूं वो आप कीजिए. यहां पर एक अमेंडमेंट आया है और इस अमेंडमेंट के अंदर इधर लिख दीजिए 2500 करोड़. ओके, इधर लिख दीजिए 1000 मिलियन की जगह पे 1250 करोड़ मिलियन, सॉरी, और इसमें लिख दिए ना 1250 करोड़. यहाँ पे लिख देना 10,000 करोड़.
इसको 10 बिलियन भी बोल सकते हो, और यहाँ पे 4 बिलियन की जगह पे 5 बिलियन कर, और इधर 1250 कर। चलिए ये चेंज कर दो, और ये अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल किया है, इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट भी दिया है। मतलब ये मर्जर अमालगमेशन है या टेक ओवर है? हाँ ये टेक ओवर है, और ये मर्जर अमालगमेशन, इसका असर क्या होता है कि एक एंटिटी खत्म हो जाती है। टेक ओवर ने जब टाटा को जगुआर को टेक ओवर किया तो जगुआर भी है टाटा भी, एंटिटी खत्म नहीं हो गई। ओके इतना किया, फिर एक बार चेंज करना आप नीचे के बेसमेंट पे, इधर 7500 करोड़। ओके इधर 3750 मिलियन करना, और फिर 3000 करोड़ के अंदर 3750 मिलियन, 24,000 को 30,000 करोड़, 12 बिलियन को 15 बिलियन करो, और इसको 3750 करो। क्लियर? तो अगर आप इस चीज को याद रखते हो, इस फॉर्म को, तो बाकी बहुत सिंपल है। इसका 4 टाइम्स इधर लेना है, इसका 4 टाइम्स इधर लेना है, बाकी सबका 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स करते जाओ, ऊपर वाले कॉलम का 3 टाइम्स नीचे करते जाओ, आपको सबका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे 1250 है, यहाँ पे भी 1250 सेम ऐसे ड्रैग ऑन करना, और इसका 3 टाइम्स कितना होता है 3750, यहाँ पे भी 3750 सेम लिंक। ओके तो आपको सिर्फ ये दो बॉक्स याद रखना है, ये दो बॉक्स याद रख पाओगे सिंपल, तो इसका 4 टाइम्स 10,000, इसका 4 टाइम्स 500 बिलियन, दैट इज 5 बिलियन, 500 मिलियन आ जाएगा, 5000 मिलियन आ जाएगा, दैट इज 5 बिलियन। ओके फिर सबका 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स नीचे करते जाओ, आप लो नीचे का टेबल, ये है थ्रेशोल्ड। इसका मतलब अगर एक कंपनी मर्ज होती है, लेट्स से हमारे यहाँ पे गौरव की एक कंपनी है, गौरव की कंपनी को निकट की कंपनी एक्वायर करती है। ओके निकट की कंपनी ऑलरेडी 3000 करोड़ की कंपनी, और गौरव की कंपनी को एक्वायर करते ही वो गौरव की कंपनी ऑलरेडी 4000 करोड़ की कंपनी, 4000 और 3000 क्या ये 7000 करोड़ हुआ एसेट्स में? क्या ये 3000 करोड़ प्लस 4000 करोड़, व्हाट इज द टोटल? 7000 करोड़। ओह वाओ, इन दैट केस क्या इन्हें सीसीआई का अप्रूवल चाहिए? क्या ये थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चले गए? क्या 7000 करोड़ 2500 करोड़ से ज्यादा होता है? पक्का? डेफिनेटली उन्हें अप्रूवल चाहिए, ऑडिट ने कहा, या फिर टर्नओवर बेसिस में हो सकता है। तो इफ यू आर अ कंपनी जिसमें आपको कस्टमर बेस बढ़ना है मोर देन 7000, सो अगर तुम्हारा प्रेजेंस इंडिया और इंडिया के बाहर है तो देन आई विल सी दिस कॉलम्स। ओके ओनली इंडियन कंपनीज भी हो सकती है, इंडियन एंड ओवरसीज कंपनीज भी हो सकती है, जैसे जब आइडिया वोडाफोन का मर्जर हुआ था जिसमें शेयर होल्डर्स इंडिया के बाहर भी थे, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि टोटल मर्जर किस लेवल तक का गया। ओके समझा सबको? ठीक है, बाकी हमने एक और लिमिट की थी, बाकी हमने एक और लिमिट की थी, उसमें आप एक चीज चेंज करना, यहाँ पे 350 करोड़ लिखा है ना, अब इसको कर दो 450 करोड़, एंड टर्न ओवर 1000 करोड़ लिखा होगा उसको कर दो 1250 करोड़। ओके ये लिमिट अब चेंज हुई है। ओके रहता है, लेकिन वो होता है एक अटेम्प्ट के बाद पूछते हैं, तो दिसंबर में देगी तो दिसंबर 25 दे रही है। अभी अमेंडमेंट डाला है, इंस्टीट्यूट पूछेगा इसका, अभी 50% चाल, जब तो दिसंबर 25 होगी तो मैं 80-20 बोल सकता।
तो तू खुद अपने लिए बनवा ले और भगवान के सामने रख दे जिसकी स्पोर्ट। ओके अच्छा मान लो ये चेंजेस जो आए हैं वो 7 मार्च 2024 से आए, 07 मार्च 2024 से एप्लीकेबल। ओके इन्होंने बैक डेट पे उसको एप्लीकेबल कर दिया जिसके वजह से चेंजेस आपके लिए एप्लीकेबल था। ओके भले ही अभी रिसेंटली रहा था लेकिन उन्होंने इनको एप्लीकेबल बैक डेट से कर दिया। सो दिस सर्कुलर बिकम्स एप्लीकेबल फॉर अस। ये सब 7 मार्च 2024 से। हाँ मर्जर का याद है मैंने आपको कहा था अगर आपकी कंपनी 2000 करोड़ की हो और आप एक छोटी सी कंपनी, जैसे अभी एग्जांपल में ले लू गौरव की कंपनी एक छोटी सी कंपनी है, निकट की कंपनी इस समय लेट सपोज 3000 करोड़ की है और गौरव की कंपनी इस समय लेट सपोज एसेट्स में सिर्फ 100 करोड़ की है। तो अगर 3000 करोड़ की कंपनी सिर्फ 100 करोड़ की कंपनी एक्वायर कर रही है तो उसे सीसीआई के पास जाने की जरूरत नहीं क्योंकि 450 करोड़ से कम की कंपनी। यार मैं छोटी छोटी कंपनी एक्वायर करते हुए थोड़ी ना सीसीआई जाता रहूंगा, फिर मैं धंधा कब करूंगा। एंड एक्विजिशन का मजा कब आता है कि आप छोटी मछलियों को खा रहे हो और एक्सपेंशन में स्पीड में बढ़ रहे हो। ओके अगर छोटी छोटी बातों के लिए मैं जाता रहूंगा सीसीआई के पास सर मैं एक्वायर करूं कि नहीं तो फिर व्हाट द पॉइंट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉम्पिटेटिव बिजनेस कहाँ है। हाँ बड़ी कंपनी का एक्वायर किया 450 करोड़ के ऊपर की या टर्नओवर में 1250 करोड़ के ऊपर की तो मैं अप्रूवल लेता हूँ, छोटी छोटी कंपनियों में थोड़ी ना अप्रूवल लेता रहूंगा। ओके तो ये तो समुद्र का रूल है ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। अब वो मछली छोटी कितनी है वो देख। तो गवर्नमेंट ने बोला एसेट्स में 450 करोड़ से कम होनी चाहिए और टर्नओवर में 1250 से कम तो चलेगा, इसके ऊपर है तो सीसीआई से पूछो। ओके अपनी मर्जी से एक्वायर मत करते रहे। हाँ ऊपर वाला टेबल उसके ऊपर ही अभी हुआ क्या, इफ यू आर अ 3000 करोड़ कंपनी एंड यू एक्वायर दिस कंपनी वाज ओनली 1 करोड़ तो आप थ्रेशोल्ड के ऊपर हो गए बराबर 3001 करोड़। तो यू आर लाइक आई एम अ फूल ऑफ व्हाट, 1-1 करोड़ के लिए अप्रूवल हूँ। तो उसमें ये एडिशनल दिया कि गवर्नमेंट ने ये बोला डोंट फॉलो सीसीआई अप्रूवल टिल यू एक्सीड 450 करोड़ इन एसेट्स और 1250 करोड़ इन। समझा क्लियर फाइन। अच्छा एक चीज और याद रखना रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस के अंदर यहाँ पे 1210 की जगह पे 150 डेज कर, ये एक चेंज आ गया, बाकी सब वही है सिर्फ 150 डेज कर दिया है। तो पहले की तरह जो प्रोविजन हुआ करता था वो चेंज अच्छा या पहले 210 दिन लगते थे अब 150 दिन के अंदर कर दिए, ये भी 7 मार्च से लेकर बैंक डेट से उन्होंने नोटिफाई कर दिया जिसके वजह से अपने को ये अमेंडमेंट याद रखें। इज दैट क्लियर एवरीवन। वेरी गुड। बाकी ये वाला पढ़ के जाते डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। ओके थ्रेशोल्ड लिमिट्स आपको से ऊपर से देख के जाना याद मत करना, बाकी हाँ डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट ये वाला लर्न करके जाना। ओके ये वाला पार्ट पढ़ के जरा देख, डायरेक्टर जनरल कौन है उसकी ड्यूटीज क्या है, डायरेक्टर जनरल करता क्या है। ओके क्लियर डायरेक्टर जनरल कौन है उसकी पावर्स उसकी ड्यूटीज हमने पूरा पार्ट डिस्कस किया हुआ है। एक डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होता है जो आपके हिसाब से सिविल कोड की सारी पावर, ये कौन है ये एक ऑफिसर है जो कॉम्पिटिशन कमीशन के बिहाफ पे बैठता है, जब कोई कंप्लेन आती है तो ये है वो पर्सन जो चेक करता है। बाय द वे अगर आप इसको समझना चाहो तो ये एक रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर है या रिटायर्ड जीएसटी कमिश्नर है, आईआरएस ऑफिसर होते हैं ये लोग, इंडस्ट्री को 30-40 साल से देख चुके हैं और रिटायर्ड कमिश्नर है। रिटायर्ड कब हो रहे 60s में, गवर्नमेंट बोलती है तुम जाओ नहीं तुम्हारी जरूरत है यहाँ पे बिठा, दे बिकम डायरेक्टर जनरल असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्यूटी डायरेक्टर, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन यानी बिजनेस को धंधे को कौन समझता है, ये लोग इन्होंने पूरे लाइफ में धंधा देखा है। अब इनकम टैक्स असेसमेंट में पूरे लाइफ में बिजनेस ही देख रहे थे तो कंपटीशन में सही जा रहा है नहीं जा रहा है ये लोग ही बता सकते,
तो इन लोगों की टीम को गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिठाया कि भले आप रिटायर्ड हो कोई बात नहीं बैठो, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टर जनरल के लिए अपर एज लिमिट नहीं रखी है गवर्नमेंट। भले आप 75 हो, ओके 80-85 हो, तो गवर्नमेंट के ऊपर अपॉइंटमेंट पूरा गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट के हिसाब से आप हेल्दी हो, 60 ईयर्स में कमिश्नर से रिटायर कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, इतना एक्सपीरियंस है, आओ बैठो। ओके सो दे आर द वन हु डज द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, ये लोग वो लोग करते हैं। ओके कभी लाइफ में इनके सामने अपियर होने को मिले तो आपको मालूम पड़ेगा एकदम सफेद बाल हो, समझो कई लोगों के तो बाल ही नहीं है, पर उन्होंने बातों बातों में बताया थे कि मैंने ये साल में इस कमिश्नर की रेड मारी थी, मैंने ये समझा था, ये बताते बहुत कुछ है जब मूड में आ जाते हैं, लेकिन जब ये काम कर रहे होते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट में काम हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है बाकी कमिंग टू ये याद रखना भाई, रिमूवल ऑफ अ चेयर पर्सन, और एक ये 12 रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉय, एक चेयर पर्सन और मेंबर को रिमूव कब किया जा सकता है? ठीक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, सो सो हो गया, वो सब ठीक है, एंड यस रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 12। ठीक है ठीक है, अच्छा ये पढ़ लेना, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी बाय सीसीएल, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी बाय सीसीएल। इस बार एक पढ़ के जाना, आई एम डाउटिंग कि पूछेंगे फिर भी पढ़ जाऊं, कि अपेलेट ट्रिब्यूनल सीसीआई का होता क्या है और कौन कौन सी करते हैं। वैसे ये नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल है, एनसीएलएटी, ये आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन, मतलब ये एक्चुअली कंपनी लॉ का प्रोविजन इधर डिस्कस। ओके ये एनसीएलएटी सेक्शन 53 ए अपॉइंट करेगा, ये क्वालिफिकेशन सेक्शन 411 कंपनीज एक्ट के हिसाब से, 416 कंपनीज एक्ट। ओके बाकी हाँ नीचे कहना सीएस अपीयर इन कंपटीशन कमीशन, तो ये उसका आंसर है। ओके अपेलेट ट्रिब्यूनल में अपीयर कर सकता है, अपेलेट ट्रिब्यूनल में अपीन 60 डेज में फाइल होते हैं, ऑर्डर सो इन सो पास होते हैं, दिस हैज टू बी ये पार्ट पढ़ जाना, ओपन एंडेड क्वेश्चन है लेकिन आपको हेल्प कर देगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपटीशन, इन व्हाट वे कंपटीशन किल्स कंपटीशन। ओके सो पॉइंट यही है कि कंपटीशन क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स करना, किसी भी तरीके से हम लोग अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, बायर्स चाहते हैं कि अच्छे मार्केट को मिले, तो सेलर चाहता है कि अच्छा बायर्स मिले। अब कॉम्पिटिशन में क्या होता है, मुझे उससे आगे चलना है, तो कॉम्पिटिशन ही कॉम्पिटिशन को किल कर। हम असल में जो मार्केट में लीडर होना चाहते हैं वो क्या करते हैं, मोनोपोली, क्यों मोनोपोली, आपको इकोनॉमिकली वो ताकत वो कंट्रोल देती है कि पूरी मार्केट में आप एक तरह की एक क्या बोलते हैं एक ऐसी चीज पास जाते हो कि अच्छा अच्छा आपको जाने के पहले सोचे, छोटा प्लेयर भी आके दो बार सोचेगा इतने बड़े से लड़ेगा वो, तो यही आइडिया होता है कॉम्पिटिशन का, कि कॉम्पिटिशन किल्स कॉम्पिटिशन का मतलब ये होता है जहां पे इकोनॉमिकल पावर्स हर कोई अपने पास खींचने की कोशिश करता है और नेचुरली लीडर होनी चाहता है। मतलब अगर कोई बॉक्सिंग के रिंग का चैंपियन है, जैसे माइक टायसन की अभी अपने फाइट देखी होगा, एग्जैक्टली अभी अपने फाइट देखी होगी माइक टायसन और उसकी, तो माइक टायसन नोन था, टायसन को कौन हिलाएगा, दिस टाइम इवन टायसन गॉट शॉक। सो ये भी अपने आप में दिखता है कि कॉम्पिटिशन में हर कोई आगे निकलने की कोशिश करता है। ठीक है फाइन, सो दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन किल्स कॉम्पिटिशन। सर एलिगेशन वो तो एलिगेशन से अभी देखते हैं, चार्जेस उसके खिलाफ केस फाइल किया है, साबित होगा तो देखिए, वी आर नॉट गेटिंग द पेपर्स, हमने भी पेपर्स डिमांड किया है लेकिन हमको किसी ने दिया नहीं, बाकी डायरेक्टर जनरल तो मैंने डिस्कस किया है, ये हो रहा है। Why competition is essential in the market and what steps has to be taken? The competition होता क्या है? Why we needed competition in the market? So ये पूरा economics आ गया, competition एक अच्छा होता है, focus efficiency बढ़ती है, accountability and transparency बढ़ती है, corruptions कम होता है, plus opportunity मिलती है,
रॉक बेस्ड पार्टिसिपेशन के लिए। एंड असेंशियल एलिमेंट कॉम्पिटिशन क्या है, एनकरेजेस एफिशिएंसी, वाइडन्स द चॉइस एंड बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिशन कॉस्ट को भी सेव करता है एंड असेंशियल फॉर अचीविंग हायर ग्रेड्स, कॉम्पिटिशन यूनिवर्सली एक्नॉलेज है। ठीक है, बाकी ये छोड़ के पिछले एग्जाम के केसेस जो हमने एग्जाम में देखे थे या लास्ट एग्जाम के अगर आप 5-6 केसेस भी देख जाओगे चलेगा, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन 25 मार्क का नहीं है, सिर्फ 5 से 6 मार्क का ही आएगा। ओके, तो गलत उसमें मत रहना, कॉम्पिटिशन 25 मार्क का ओल्ड सिलेबस में था। ओके, न्यू सिलेबस में 25 मार्क का नहीं है। हाँ, व्हाट इज इट वाज इट नॉट इज, तो 40 मार्क का उन्होंने आईपीआर ओके डाल। ओके, वेरी गुड, प्रेशियस गेस कैन आल्सो अप्लाई टू हियर व्हाट एक्सपीरियंस, बट यू कैन आल्सो अप्लाई the moment you become a CS, you are eligible to appear or apply to CCS. Hello. Okay, if you're getting clients, yes, you can do it. Okay, clear? तो ये पार्ट कॉम्पिटिशन का था, पास पेपर्स के जो केसेस है तो उसमें भी देख जाओगे चलेगा। ओके, बिकॉज यू आर ऑल द ऑन द वर्ज ऑफ एग्जाम्स, सो टू मेनी केसेस भी नहीं करने, जितने हैं उतने भी काफी होंगे। ओके, देन कॉम्पिटिशन एक्ट के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आए। ओके, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एक सिंपल सा फंडा है, मैं इसमें मार्किंग नहीं देने वाला, मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ। पीछे जितने केसेस दिए हैं सब इंक्लूडिंग लास्ट ईयर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में केसेस आने के ही सबसे ज्यादा, आगे का ये सारा कंटेंट वंटेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पीछे जितने केसेस दिए हैं सब पढ़ रीड ऑल केसेस, इनफैक्ट वो रीड करते करते आपको सेक्शन भी सारे हो गए, तो रीड ऑल केसेस। ओके, इंक्लूडिंग लेन टेस्ट, सेंट्रल अथॉरिटी ऑफिसेस वगैरह ऐसा कुछ पद वैसे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अभी पिछले टाइम में 20 मार्क का आके गया है, फुल टेस्ट पेड है, इस टाइम में शायद वो मिस भी हो जाए, एक भी क्वेश्चन ना आए, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो पूरा एरिया है जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो इसमें हो सकता है इस बार कॉम्पिटिशन का 20 मार्क का केस पूछ ले, या हो सकता है किसी और का पूछ ले, तो ये आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कंज्यूमर का ही रिपीट होगा और पूरा कंज्यूमर 0 मार्क के लिए आए, ये भी पूरे पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये कंबाइंड एरिया 20 मार्क का है। ओके, समझा, तो दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ एवरेज के हर में से 5-5 मार्क के पूछेंगे, दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल, हम और रूल फॉलो करते हैं दिल से, हम वही चाहते हैं बिकॉज वी आर एवरेज, हम एवरेज में खुश है। इसलिए तो बोल रहा हूँ पीसीए के सारे बस केसेस कर जाओ, काफी हो जाएगा, पीसीए के सारे केसेस अच्छे से देख जाओ, आपको पूरा कंज्यूमर का डेफिनेशन ये वो सब कवर भी हो जाएगा, एंड लेटेस्ट केसेस भी देख जाना जो इस एग्जाम में आके गए आगे, नहीं वो सारे क्वेश्चंस पढ़ने की मतलब वो ट्रू एंड फॉल्स कमेंट्स वाले होंगे वो पढ़ सकती, बाकी पीछे के केस स्टडीज पढ़ जाओ, दैट इज एक्चुअली सफिशिएंट, डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ कंज्यूमर सो मच। ओके, इसमें आपका एनालिटिकल स्किल्स चेक होता है कंज्यूमर के, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चंस दे स्टिक टू इट दैट। ओके, ये जनरल अप्रोच देखा गया, आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रीट फॉल्स ऐसा ही आएगा, बट ये जनरल अप्रोच है, इंस्टीट्यूट आपकी एबिलिटी देखता है कि आप केस समझ के कैसे उसका आंसर दें, जिसने पिछले पेपर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही देखोगे तो कंज्यूमर का था, क्वेश्चन नंबर 1 कंज्यूमर का था, बड़ा सा था, बड़ा सारा क्वेश्चन था कंज्यूमर का। ओके, सो इसकी कोई अश्योरेंस नहीं कि इस बार भी वापस से बड़ा सारा क्वेश्चन कंज्यूमर का नहीं आएगा, आया तो भी केस स्टडी आएगा, इससे टेंशन की बात नहीं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन
और अगर वैसे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट प्रेफर व्हाट एवर क्वेश्चंस कम इन द पास्ट एंड पीस, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। टेस्टिंग बनाती है, सारे पेपर टेस्टिंग बनाती है, जो टेस्टिंग में खुद क्वालिफाइड सी एस सी एस है। तो उसको भी मैं ही बताऊं तो क्या बन सकू। द एडवांटेज ऑफ अननोननेस भी देर ना, क्यूरोसिटी कि क्या आएगा, तो मेरे को भी क्यूरोसिटी क्या आएगा। कुछ नहीं, एब्सोल्युटली टेस्टिंग, आपके सारे पेपर टेस्टिंग बन, यस दे आर क्वालिफाइड सी एस सी एस। एंटायर थिंग इज आउटसोर्स टू द टेस्टिंग, दे डू। पर सर पेपर नहीं मिलता, चेक करें जल्दी चाहिए भी क्यों, पेपर ही मिल गए। क्लासेस काफी लेट था। हाँ वो भी बोला चाहिए क्यों, क्वेश्चन देख के समझ जाने का ना। फिर भी पता चलेगा कि किसके बेसिस पे चेक करती है। पॉइंट जो भी है कैसे भी चेक करती है, वो इंस्टीट्यूट वाला नहीं है ना चेक कर रहा, तो टेंशन क्यों। अनाउंस हो गया 25 फरवरी को आपका रिजल्ट, 2 बजे अंकल ने दे भी दिया। जनवरी फर्स्ट का आपका दिसंबर का टाइम टेबल भी आ जाए। काउंसिल आई मीन सॉरी जून का टाइम टेबल, जून 20 तुम पहले इधर तो पास करोगे, घर बना देंगे आगे से। जो बात में वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ लीगल कंट्रोलर जी कमिंग टू लीगल मेथडोलॉजी, लीगल मेथडोलॉजी ये चैप्टर्स में मतलब ये ऐसा है कि इंस्टीट्यूट के मूड के ऊपर है, कभी पूछते भी है कभी इग्नोर पूरा चैप्टर। सो ये एग्जैक्टली बोलना बहुत मुश्किल है कि दे विल आस्क सम क्वेश्चन, ये इंस्टीट्यूट के मूड के ऊपर। इसके साथ जो कोइंस में चलता है वो है रेरा, तो कभी लीगल मेथडोलॉजी आया या कभी रेरा आया, रेयर कभी होता है कि दोनों एक साथ एक ही क्वेश्चन में पूछ ले, यानी वो ऑप्शन में डालते हैं, ऊपर वाले में इसका होगा नीचे वाले में देना होगा। सो ये डिपेंड करता है, मतलब इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन बोलना बहुत सर डिग्री कितने मार्क्स का हो सकते हैं, 5 मार्क्स 5 बस, ये पूरा चैप्टर आपको 5 मार्क्स के दस के ऊपर। ओके क्लियर। तो इसके अंदर सजेशन क्या है, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते सिर्फ पास पेपर को क्वेश्चन आंसर कर जाओ तो भी काफी। आप चाहे स्कैनर से पढ़ रहे हो, आप जहाँ से, मैं इम्पोर्टेंट फिर भी बता रहा हूँ लेकिन जो पेपर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप पास पेपर या स्कैनर से पढ़ रहे हो या इसमें से पास पेपर से कर जाओ काफी, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलने वाला। जैसे ही आपका ईसीएल का पेपर हिट होगा, ओके समझ लेना एकदम सारे बहुत सारी चीजें पढ़ने को आ जाएगी। आईपीआर अच्छे से करना है, ऊपर से पैमा देखना है, इसमें ये देखना है, उसमें वो देखना है, तो आपको लेस देन 24 घंटे के अंदर सब कुछ अरेंज कर, ओके या 24 घंटा मैक्स, ठीक है। अगर आप एक एक ग्रुप दे रहे हो तो एक एक छुट्टी मिलेगा 24 घंटे के हिसाब से, तो यू हैव टू अरेंज एवरीथिंग, ठीक है। और दोनों ग्रुप दे रहे हो तो फिर 24 घंटा में नहीं मिलने वाला, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली फास्ट। ये सिस्टम को चेंज हो जाता है, एक भी छुट्टी वाला सिस्टम को भी चेंज हो जाता तो पॉइंट ये है कि वो लोग बोलते हैं जब हमने सफर किया तो तुम्हें कैसे छोड़ेंगे, हमने भी सफर किया ना, हमको तो छुट्टी भी नहीं होती थी तो तुम्हें कैसे छोड़ दे। तुम भी अपने बच्चों को बोल सकते हो ना मैंने ऐसा एग्जाम दिया जिसमें छुट्टी भी नहीं थी फिर भी पास हुई, देखा बेटा। तो इसको अचीवमेंट तो बोल सकूं। अभी कमिंग बैक ओवर हियर, लीगल मेथोडोलॉजी का डेफिनेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा, दैट्स गुड डेफिनेशन।
ठीक है, OIML अगर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, दैट्स एक्चुअली हेल्पफुल एंड गुड डेफिनेट। ओके ठीक ठीक है, लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर क्या है, उसके पास क्या है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, ये एक बार पढ़ते जाना। लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर उसके पास क्या है, ये आपने देखा है एडिशनल ऑफिसर होते हैं, ये लोग सूट फाइल करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, जगह पे एंटर कर सकते हैं, देन दे हैव द पावर ऑफ इंस्पेक्शन। ओके वो जगह पे एंटर कर सकते हैं, दे कैन एंटर एनी प्रीमाइसेस, सर्च दे कैन सीज एनी मोबाइल्स, वेट्स, मेजर्स जो भी आपके बिना बिल के दिख रहे, प्लस अच्छा नेचुरल डीके होगा तो वो लोग बेच के भी पैसा रख सकते हैं, एंड सीआरपीसी का रूल लगेगा। और ये लोग फोरफीचर भी कर सकते हैं अगर आपका वेट्स एंड मेजर्स बराबर नहीं, जैसे आपको बताया था सब्जी वाले वगैरह नकली वेट रखते हैं या गलत वेट, तो अगर पकड़े गए तो फिर वो फोरफीचर करके लेके जाए। कई लोग अपने खुद के वेट बना के रखते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। तो फोरफीचर करके अगर आपके वेट जेनुइनली अच्छे हैं, जैसे कई लोग ऐसे कांटे वाला वेट भी रखते हैं तो जेनुइनली अच्छे हैं, तो वैसे कई लोग ऑटो का मीटर टेम्पर करते हैं, ये सब आप लीगल मेट्रोलॉजी में कंप्लेन कर सकते हैं, अलाउड है। ओके ठीक ठीक काउंटरफीडिंग क्या होता है और उसकी पेनल्टी क्या है, ये याद रखना। काउंटरफीडिंग मतलब नकली वेट्स बनाना, नकली मेजर्स बनाना। मार्केट में बहुत सारी चीजें नकली मिलती है, उसको काउंटरफीडिंग बोलते हैं। ओके जो असली के जैसा दिखता है, कई बार कई लोग आपको बोलते हैं देखो भाई बिना बिल के फोन चाहिए तो मैं इतने का करवा दूंगा, सेकेंड हैंड फोन चाहिए ग्रे मार्केट वाला तो अच्छा फोन मिल जाएगा कम पे, एप्पल का भी फोन पीछे एप्पल ही दिखेगा। नहीं इंडिया का ही माल है, किसी का चुरा है, हमने सिम विम चेंज किया फॉर्मेट किया फोन चुरा है, चोरी चोरी का फोन बिकता है। पांच पर सैंपल कर देंगे। तो काउंटर फीडिंग माल भी दिखता है मार्केट में गलत तरीकों से। काउंटर फीडिंग का असली अच्छा तरीका बताने का ये हुआ, नकली नोट बन जो असली नोट की तरह दिखते हैं, इसलिए उसको लॉ में काउंटर फीड्स बोलते हैं। ओके तो वेट्स एंड मेजर्स भी कई लोग नकली बनाते हैं, कई लोग कोई खाने पीने की चीजें, कई लोग दवाई नकली बनाते हैं। इस केस में अगर वेट्स एंड मेजर्स नकली बने तो उनकी पेनल्टी ये देखिए इधर, सेक्शन 44 के हिसाब से उनकी पेनल्टी आती है जो नकली बनाते, तो एक बार अच्छे से पढ़ के जरूर जाना। ओके चलो अभी एसेंशियल कमोडिटीज पे आते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर एसेंशियल ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, एसेंशियल कमोडिटीज है क्या। अब आते हैं रेरा के ऊपर। कमोडिटीज आ सकते हैं उसको भी, ये भी 5 मार्क्स के ऊपर एक्सपेक्टेड है भी। ओके ये मतलब ऑप्शनल क्वेश्चंस में आते हैं, अगर क्वेश्चन इसमें आएगा तो इसमें नीचे वाले में रेरा आ सकते एक हैं। हाँ एसेंशियल कमोडिटीज क्या इतना ही बढ़िया, के चैप्टर भी बाकी पढ़ते रीड करके जाए, बाकी एक बार रीड करके ज्यादा रीडिंग आपको ये हेल्प करता है कि आंसर फ्रेमिंग में एक आउटलुक दे देता है कि मैं और क्या क्या वर्ड्स इसमें डाल सकता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि शायद आपको आंसर याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको उसका कंटेक्स्ट मालूम है कि आप बोलना क्या चाहते हो, मुझे वो पता है एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपने बाकी रीड कर रखा है तो आप उसके वर्ड्स बना लो, तो आप उसको कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, वो आपको हेल्प करता है। ओके रेरा के अंदर आते हैं, रेरा में एक ये पढ़ के जाना, व्हाट इज द रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इन रेरा। कंपनी अपना सेक्रेटरी रेरा के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। दूसरा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देन विच प्रोजेक्ट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेरा। ओके ये भी पार्ट हम लोग ने पढ़ा हुआ है, एग्जेम्प्टेड प्रोजेक्ट्स के हिसाब से कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें रेरा नहीं लगता। ओके
क्लियर 500 स्क्वायर फीट का होता है या फिर 8 अपार्टमेंट्स, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 8 अपार्टमेंट 500 स्क्वायर फीट फर्स्ट मई 2016 के पहले बने हुए प्रीमाइसेस, ओके, जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया था या हो चुका था, वो सारी चीजें आप रेरा में पढ़ चुके हैं, तो ये रहा उसका थ्योरी। या गवर्नमेंट ने अगर किसी प्रीमाइसेस को एग्जेम्प्ट कर रखा तो उसको रेरा नहीं लगता, ओके। And yes, what are the functions of and obligations of real estate agents? One second. So what are the functions and obligations of real estate agents? So एक real estate agent से आप क्या-क्या expect करते हो? तो एक real estate agent जब कोई घर बेचता है तो घर के पेपर्स आपके पास रखने के लिए प्लानिंग्स वगैरह लेके रखेगा, आपके बिल्स रेडी रखेगा। इनफैक्ट जब आप रियल एस्टेट को कमीशन देते हो ना, पूरे फाइल देता है, इसमें आपके घर के ओरिजिनल पेपर, स्टैंप ड्यूटी पे किया, एरिया का वो सर्वे नंबर होता है, आपके पीछे पूरा ब्लूप्रिंट मैप होता है, क्योंकि आपने बिल्डर से लिया, प्लस आपका वो बिल की रिसीट होती है, रजिस्ट्रेशन का वो जो करके आते हो ना फोटोग्राफ का वो स्लिप पूरा लगा रहता है, तो ये सब देने का और पोजेशन ट्रांसफर करने का, अगर बिल्डिंग में कोई गड़बड़ है तो उसकी इंफॉर्मेशन देने का, क्योंकि जब तक बिल्डर सोसाइटी नहीं बनती तब तक सब बिल्डर के हाथ में ही होता है, तो रियल एस्टेट एजेंट से ये सब पूछ सकती हो इंफॉर्मेशन। और बिल्डिंग में कुछ बहुत बड़ी लोचा वोचा बाद में मालूम पड़ा तो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम आल्सो, बिकॉज ही इज द वन सेलिंग यू द प्रॉपर्टी, ओके। What are the duties of RERA authority? RERA authority से आप क्या expect कर सकते हैं? तो ये अथॉरिटी है रियल एस्टेट एजेंट्स की, जैसे ये अथॉरिटी चेक करती है बिल्डर्स, अलॉटीज और रियल एस्टेट एजेंट पर नजर रखना, कौन से एरिया में क्या काम चल रहा है, वेबसाइट का एड्रेस देना, हर बिल्डर को अपना सारा प्रोजेक्ट वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है, और एक बार अगर आपका डेटाबेस वेबसाइट पे जाएगा तो पब्लिक उसको व्यू कर सकता है, और अगर मैं अलॉटी हूँ तो मेरा नाम भी वेबसाइट पे दिखना चाहिए, लिस्ट ऑफ अलॉटी वो मैं चेक कर सकता हूँ। प्लस उसके साथ साथ डेटाबेस के साथ साथ अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी बिल्डर ने काम कंप्लीट नहीं किया है तो रेरा अथॉरिटी उसका लाइसेंस कैंसिल करती है उस प्रोजेक्ट से, और वो लाइसेंस किसी और को भी देती है। कई बार बिल्डर लोग किसी वजह से काम कंप्लीट नहीं कर पाते तो सोसाइटी वाले बहुत गुस्सा होते, तब तो रेरा अथॉरिटी के पास जाके कंप्लेन कर सकते। बाकी हर अगर आप बिल्डर की किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो एक बताता हूँ, रेरा अथॉरिटी की वजह से आपको हर बार का कंप्लायंस फाइलिंग करते रहना पड़ेगा, ओके। रेरा अथॉरिटी को, हमारा प्रोजेक्ट कौन से स्टेज पे है, क्या कंप्लीट हुआ है, इस साल की हमारी परफॉर्मेंस कितना है, बैलेंस शीट कितना है, फंडिंग कितना अरेंज है, ये सब आपको रेरा अथॉरिटी के साथ फाइल करना है, और वो भी अपना स्टैंप या अपना साइन लगा हुआ, ओके, बिकॉज लीगल कंप्लायंस बहुत होते हैं। ये बिल्डरों के पास बहुत सारा कंप्लायंस है, और आप जान के सच में सरप्राइज होंगे, बिल्डरों के पास सीएस भरे पड़े हैं, वो लोग छोड़ते नहीं, एक बिल्डर में 4 4 5 5 सीएस रखे हैं। यस, आप बड़े बड़े बिल्डर के पास जाओ, कनकिया बिल्डर 5 सीएस, सेठ बिल्डर 4 सीएस, वाह ये रुस्तम जी वाला ये तो कीस्टोन, हाँ बहुत सारा काम है, रेरा तो एक हुआ, एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग ये वो बहुत कुछ है। पहले And भी राइट्स क्या वो होते हैं, राइट शॉर्ट टर्म फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, तो सरकार ने एक सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल बनाए रखी है रेरा के हिसाब से, जो ये एडवाइस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या क्या रेरा में करना चाहिए ताकि बने। देखो एक क्या है रेरा, रेरा स्टेट लेजिस्लेशन है, सेंट्रल नहीं, हर स्टेट अपने हिसाब से बने, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट को गाइडेंस देती है कि आपको आपके रेरा के अंदर क्या क्या रखना चाहिए। तो हमने एक पार्ट पढ़ा है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेशन सेंट्रल को ओवरराइड नहीं कर सकता, बराबर, तो उसके हिसाब से मेजर इवेंट्स क्या चल रहे हैं और एक्ट को कैसे देख रहे हैं, मेजर क्वेश्चंस क्या उठ रहे हैं, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन पे क्या चल रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रियल एस्टेट का कैसे चल रहा है, और कोई मैटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल हर स्टेट में अपने स्टेट काउंसिल रखती है और वहां से रिपोर्ट्स लेती है और वो सरकार को बताती है, तो सरकार को पता चलता है कि रेरा का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है,
ये किसको बताती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो उन्हें मालूम पड़ता है कि कितना इन्वेस्टमेंट हमारे रियल एस्टेट, जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हर घर निवास प्रोजेक्ट दिया जाएगा, महाडा के कितने प्रोजेक्ट हो गए, किस स्टेट में किस प्रोजेक्ट में कितने चल रहे हैं, कितने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाए हैं, किसका क्या है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन सरकार के पास जाना चाहिए। तो उनको मालूम पड़ता है कि हमने कितने बनाए, प्राइवेट बिल्डर्स कितने बना रहे, कौन से एरिया को प्राइवेट बिल्डर कैप्चर कर रहे हैं। तो ये सब सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का काम होता है, इन्फॉर्म। ओके एंड यस, एक्सप्लेन ब्रीफली द पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो ये आपको अभी तक याद है, सीपीसी के पावर्स होते हैं, समन, एनफोर्स अटेंडेंस, बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, डिसमिस एप्लीकेशन, ये सब चीजें आप लोगों ने वैसे भी पढ़ी हुई है, सीपीसी के पावर्स। ओके क्लियर, फाइन। बाकी इसके साथ था, ओके अब इसके आगे जितना भी पार्ट है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट है, ये तो मैं कहूंगा भाई सारा, इसमें मैं कोई मार्किंग ही नहीं दूंगा, क्योंकि 40 मार्क का है, जिसमें आपको पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये तो 3 रट्टा होने चाहिए, क्योंकि इनके आने के तो फुल चांसेस है। बाकी डिजाइन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से आते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एक फायदा यह है कि वो ट्रेडमार्क से सिमिलर, और डिजाइन का एक फायदा यह है वो कॉपीराइट से काफी सिमिलर है। तो पेटेंट, डिजाइन एंड कॉपीराइट तो एकदम रट्टा होने चाहिए। ओके ये आ गया, तो आपको काफी हद तक क्वेश्चन का आंसर लिखने को हो जाए। ओके बाकी बाकी के चैप्टर जैसे आईपीआर का इंट्रोडक्शन, डिजाइन, ये वो पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि 40 मार्क्स के खेल रहे हैं, 40 मार्क्स में सिर्फ 5 चैप्टर्स है, 5 में जो बोल सकता है 4 है एक्चुअली, फर्स्ट चैप्टर। चलो फर्स्ट चैप्टर का चाहिए तो बता देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर में What is the nature of intellectual property? ये पढ़ जाओ। What is the nature? जिसमें आप हेड पॉइंट भी कर गए तो भी काफी है, अगर आप ये जो हेडिंग भी कर गए तो भी काफी है, अंदर का कंटेंट आप लिख सकते हो, जैसे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। तो ये डायनामिज्म क्या होता है? डायनामिज्म का मतलब होता है एवर चेंजिंग, जो अपने आप में बदलाव लाता जाता है। ओके दूसरा ये पढ़ जाओ, स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ये पढ़ जाओ, वाइपो क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वाइपो क्या होता बिल्कुल वाइपो का, यहीं तक पढ़ना, डेवलपमेंट यहाँ तक, शॉर्ट नोट के साथ। ओके नीचे का मैंने पहले भी लिखा था, इसके सिर्फ हेडिंग्स याद रखने, अगर जरूरत पड़ेगी तो लिखना, नहीं तो मत लिख, लीगल फ्रेमवर्क इन वाइपो। लखनऊ एग्रीमेंट एक जगह का नाम है, वहां पे एग्रीमेंट हुआ था कि हम लोग इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि इंडस्ट्रियल डिजाइन कौन कौन सी। ओके तो ये सब जगह के नाम पे भी कई एग्रीमेंट्स हुए। तो वही हाँ ओके है सर। बताएंगे हाँ, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश। पेपर हाँ वो तो दिखा दूंगा, ये हो गया, सॉल्व। बस इतना ही इसमें आप जाना, ठीक थैंक यू। है फाइन। अभी आपको ये बता देता हूँ, एग्जाम में पेपर को कैसा आया। हाँ ओके पहला क्वेश्चन कंज्यूमर के ऊपर ही था, डिटेल क्वेश्चन जिसमें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर के साथ था, ये पूछा गया था, फाइंड द रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कौन सा है, श्रद्धा हाइट्स ने कंज्यूमर एसोसिएशन के ऊपर, वेदर श्रद्धा हाइट्स इज अ कंज्यूमर एसोसिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लेंट फॉर सो एंड सो। तो यहाँ पर डिटेल पार्ट में यही आया था। तो श्रद्धा हाइट्स एक सोसाइटी है जो प्रोएक्टिव एक्शंस लेती है विद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर, द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ 12 अलॉटमेंट्स टू इशू एंड अ रियल एस्टेट डेवलपर। ओके सो
सो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर आप देख सकते हो तो 2 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स मिला। ओके सो इस तरह से 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो ये हो जाता है, ये पूरा कंज्यूमर के ऊपर था कि कंज्यूमर एसोसिएशन क्या है, जो राइट्स क्या है, मैनुअल फाइलिंग कैसे होता है। ओके डोंट वरी, इसका आंसर भी है रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन है, कंज्यूमर एसोसिएशन है क्या, चंदा हाइट से कंज्यूमर एसोसिएशन है बिल्कुल। ओके सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वॉलंटरी एसोसिएशन जो कंप्लेनेंट की डेफिनेशन पे कवर हो सकते वो आएगी। तो चलिए पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिसके पास नहीं है शेयर कर देगा, जिसके पास है उसको टेंशन नहीं है, नहीं है तो पूरा आंसर के साथ क्वेश्चन आंसर शेयर कर दूंगा, तो आपको पूरा ऐसे ही मिल जाएगा। ओके मैं सर, बट सर रिकॉर्ड करा दो, हाँ करवा दो, मैं बोल रहा हूँ इसमें करवाने जैसा कुछ काम नहीं चाहिए। हाँ सो देख, हाँ गाइडलाइन चलिए, सो क्वेश्चन में ये था कि यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन क्या है, और अगर आप कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करते हो तो फाइल करने का तरीका क्या है। ओके सो कंज्यूमर कंप्लेन हम फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल हम कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करने के लिए आप लोकल डिस्ट्रिक्ट कोरम के अंदर जाएंगे, वहां पे आप अपना टेरिटोरियल पिकिनरी ज्यूरिसडिक्शन देखते हुए कंज्यूमर कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, बराबर। एक वॉलंटरी एसोसिएशन भी फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कंप्लेनिंग के डेफिनेशन में वॉलंटरी एसोसिएशन भी कवर होती है। क्लियर, आपको बस ये साबित करना होगा उस नेचर में कि आपके साथ कुछ गलत काम हुआ है, कोई हार्म इंजरी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, तो कंज्यूमर कंप्लेंट को एंटरटेन किया जाए, बराबर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा था, कैन अ कंप्लेन भी फाइल बिफोर कंज्यूमर कमीशन ऑनलाइन, बिल्कुल कंज्यूमर कमीशन ने ऑनलाइन भी अलाउ कर रखा है, अगर कोई ऑल द वे ट्रैवल नहीं कर सकता ऑनलाइन कंप्लेन भी फाइल कर सकता है, पर वो राइटिंग में होनी चाहिए और प्रॉपरली साइज पीडीएफ कॉपीज के साथ। ओके टू विन द अपील कैन बी फाइल बाय श्रद्धा इन केस ऑफ ऑर्डर, वेल डिस्प्यूट अगर इसमें होगा डिस्ट्रिक्ट में तो आप अपील स्टेट कमीशन में फाइल, ये भी क्लियर था। एंड वॉट रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइलिंग अपील ऑन द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, वेल रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप कभी अपील फाइल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि अपील फाइल करते समय 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ क्लेम या फिर जो अगर कोर्ट ने अमाउंट अगर दिया हो वो आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। ओके अनलेस कोर्ट इस चीज को वेव करना चाहे तो, क्लियर। और अगर कोई ऑर्डर में दूसरी कंडीशन कंप्लाई करने के लिए लिखी गई है कि पहले आपको ये कंप्लीट करना है फिर अपील, तो वो कंप्लीट करके ही अपील फाइल होगी। ओके प्लस स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था, यहाँ पे बैठता है प्रेसिडेंट, मेंबर वन मेंबर टू, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है। ओके एक प्रेसिडेंट होगा एंड नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, क्लियर हो गया, इतना सही क्वेश्चन था, आराम से मार्क्स मिल गए। क्लियर, अब उसकी जगह पे आप दूसरा क्वेश्चन देखो, एबीसी बेयरिंग्स अलॉन्ग विथ कोर कंपनीज हुआ कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट अमंग्स देमसेल्फ रिवाइज द प्राइस टू द ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर, डिस्कस वेदर दिस एक्ट अमाउंट्स टू कार्टलाइजेशन। ओके तो हम कार्टलाइजेशन का डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, कार्टलाइजेशन होता क्या है और कंडीशन जब कंड्यूसिव होती है तो कार्टलाइजेशन हो सकता है। अब यहाँ पे बोला है एबीसी बेयरिंग अलॉन्ग विथ कोर कंपनीज हु आर की कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट एंड दे डिसाइड टू रिवाइज द प्राइस, क्या ये कार्टलाइजेशन है? बिल्कुल कार्टलाइजेशन है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जो हैं यानी आप सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, सब मिलके हाथ मिला है और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन करना ही कार्टलाइजेशन था, तो ये कार्टलाइजेशन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑलराइट देयर अनदर क्वेश्चन, विनेश इज अ पीआर हुआ, ही विशेस टू एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कैरिंग आउट परमिटेड एक्टिविटी, वेदर विनेश कैन डू सो अंडर 6 years, ही कैन इफ ही वॉन्ट्स टू डू द परमिटेड एक्टिविटी, तो पी आर ओ आई इंडिया में एक्विजिशन कर सकता है, बिल्कुल वो अपनी इंडियन करेंसी इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी एक्वायर कर सकता है, या फिर ब्रांच ऑफिस भी सेटअप कर सकता है, उसके लिए उसे ऑथराइज डीलर्स के पास एक बार एप्लीकेशन करना पड़ेगा एंड ही कैन सेटअप द ब्रांच ऑफिस ऑल्सो। ओके अगर उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए एक्वायर की है तो IPI, अगर याद होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया 90 डेज में RBI ऑथराइज डीलर के साथ फाइल करना कंपल्सरी है, तो IPI फॉर्म में विनेश बता सकता है कि मैंने कौन सा प्रॉपर्टी एक्वायर किया था, कि हमने ये भी पढ़ा है कि मॉर्गेजेस भी अगर करना चाहे प्रॉपर्टी का तो बिल्कुल कर सकता है।
Mukesh is manufacturer of jaggery powder and brings his product into the market in a pre-packaged form, one retail price and quantity, and has not mentioned on the package. Is the offense under legal? If yes, what are the penalties? Yes, अगर आप pre-packaged commodity बेचते हो, section 18 बहुत popular है, वो clearly बोलता है कि अगर आप pre-packaged commodity बोलते हो, उसपे standard declaration होना compulsory है. और अगर आप स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन नहीं डालते तो उसके ऊपर पेनल्टी आ सकती है. तीन लेवल ऑफ पेनल्टी थी, पहली बार लगा तो 50,000, वापस से मालूम पड़ा तो 1 लाख था, और ऐसे कुछ था 1.5 लाख रुपए ऐसे कुछ था, और जेल भी हो सकती है अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो. जो भी पर्सन पैकेज कमोडिटी मार्केट में बेचता है, ये इम्पॉर्टेंट है कि उसके ऊपर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होना कंपल्सरी होता है. तो अगर जैगरी पाउडर पे पैकेज कमोडिटी के हिसाब से डिक्लेरेशन नहीं है तो ये एक ऑफेंस. ये एक ऑफेंस. क्लियर? सिमिलरली आप देखो, ये लीगल मेट्रोलॉजी का केस था, एंड राजीव बुक्ड अ फ्लैट इन द नेम अल्फा टावर बाय अल्फा प्राइवेट लिमिटेड बाय पेइंग अ बुकिंग अमाउंट टू द बायर. अब देखो, अचानक से ये लीगल मेट्रोलॉजी का केस ये आ गया रहेगा, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते. कभी ये लोग आसपास में पूछते हैं, कभी लोग नहीं पूछते. ठीक है, कितने मार्क्स का रहना आएगा? 5 मार्क्स का तो बस. The flat was delivered within 3 years of agreement, but the promoters failed to deliver the flat even after 5 years. Rajiv want to withdraw the project and wants a refund. Can he ask? Yes. Right of a allottee. Allottee मतलब जो फ्लैट को खरीदता है, और खरीदने के बाद अगर उसको फ्लैट डिलीवर नहीं होता और सफिशियंट रिमाइंडर देने के बाद भी बिल्डर ने अपना काम नहीं किया, तो अलॉटी अपना पैसा वापस मांग सकता है. यहाँ तक कि वो अपना फ्लैट का ऑर्डर एग्रीमेंट भी कैंसिल करने के लिए पा सकता है. इस केस में अगर वो बिल्डर अगर अपना प्रॉमिस मीट नहीं करता, तो कोई भी अलॉटी उनके खिलाफ रेरा अथॉरिटी में कंप्लेन कर सकता है. करने के साथ साथ रेरा अथॉरिटी हो सकता है उस बिल्डर के खिलाफ एक्शन लेते हुए पूरे प्रोजेक्ट को विड्रॉ करवाए और किसी नए बिल्डर को ट्रांसफर कर. अगर राजीव को बिल्डर ने पैसा वापस दे दिया तो केस उधर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं दिया तो बिल्डर के खिलाफ विद इंटरेस्ट रिकवरी करने का भी प्रोविजन रखा जा सकता है. बाकी हर एक बिल्डर की ऑब्लिगेशन है कि अपने अलॉटी को टाइम पे फ्लैट प्रोवाइड कर जाते, और ये बिल्डर का ऑब्लिगेशन है कि अगर डीले हो रहा है तो उसके लिए अलॉटीज की मीटिंग बुला के डीले का रीजन भी समझा. क्लियर? अगर 75% अलॉटी डीले के रीजन से एग्री करते हैं तो फिर आगे चल सकता है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हर एक अलॉटी को अपना पैसा वापस लेने का पूरा. देन बी पॉइंट, XYZ हैज बीन ग्रांटेड अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ फॉर फॉरेन कोलैबोरेशंस एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स बाय PROY इन SEZ फॉर द डेवलपमेंट. XYZ हैज परसिस्टेंटली डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड. लोग, ये क्या है? XYZ हैज बीन ग्रांटेड अप्रूवल बाय बोर्ड ऑफ अप्रूवल फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन इन SEZ. तो ये क्वेश्चन आ गया है कि SEZ में यूनिट होल्डर जो है वो कंप्लाई नहीं करता. तो SEZ के अंदर यूनिट होल्डर, उसको अप्रूवल दिया था कोलैबोरेशन इन SEZ फॉर डेवलपमेंट ऑपरेशंस, लेकिन वो कंप्लाई नहीं कर रहा. तो आपने को पूछा सेक्शन 10 के हिसाब से क्या एक्शन दिया जा सकता है. वेल, यहाँ पे अगर यूनिट होल्डर्स अपना कंप्लायंस नहीं कर रहा तो बोर्ड उसका पावर, अच्छा बाय द वे SEZ को अगर आप इसको लेना चाहो तो आप ऐसा डेवलपर भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि डेवलपमेंट ऑपरेशन का पावर भी दिया है. तो उस डेवलपर का लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है. SEZ बोर्ड उसके साथ एक्शन ले लेगी लीगल, उसके डिफॉल्टिंग प्रोविजन, उसके एसेट सीज किए जा सकते हैं, उनको वहां से बाहर निकाला जा सकता है, और पब्लिक इंटरेस्ट में वो जगह किसी और को भी दी जा सकती है बिना रिफंड किए. तो SEZ के ये प्रोविजन आते हैं जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल करना चाहे तो डेवलपमेंट कमीशन को सफिशियंट ताकत देते हुए कर सकते हैं. हाँ, एंड तो अगर इसके पास वैलिड रीजन है तो ये इसके खिलाफ कोर्ट में चैलेंज हुई. देन गामा इज अ रेसिडेंट इन इंडिया एंड इंडियन सिटीजन. ही हैज गॉन ऑफ सर, ही इज गोइंग टू रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम US. एक्सप्लेन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कंडीशंस व्हेन ही कैन रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन. वेल, एक्चुअली अगर इंडियन सिटीजन है और रेसिडेंट है और ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना चाहता है तो ऐसा कुछ कोई मना नहीं है. हम कोई भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वैल्यू 1 लाख से ऊपर ना हो और वो गिफ्ट पर्सनल यूज के लिए. फिर चाहे आप इंडियन करेंसी में लो, गिफ्ट में लो, डोनेशन में लो, कोई भी नेचर में. आप कौन सी चीजें फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में कवर नहीं होती? स्कूल की फीस मिलना,
या फिर अगर आप कोई रेमुनरेशन सैलरी कवर करना या फिर कोई और नहीं चाहिए। बाकी इसके लिए करना क्या, बहुत सिंपल है। आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करो, उसके साथ आपको FCRA रजिस्ट्रेशन नंबर गवर्नमेंट 90 डेज में अलॉट कर देता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप ऑथराइज डीलर को सबमिट कर दो और आपको वो परमिशन मिल जाएगी फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन यूज करके। सारा पैसा आईडीली कहाँ पे आता है, आईडीली सारा पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट जो आपको SBI में लेना होगा। जैसे ही पेपर सबमिट हुआ, SBI से आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। ओके, इस तरीके का यूज होता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। डिस्कस द पावर एंड सर्वे ऑफ पावर ऑफ सर्वे बाय द डायरेक्टर अंडर द फ्यूचरिटी इकोनॉमी। ये आपको मालूम है, डायरेक्ट क्वेश्चन। डीम्ड एक्सपोर्ट्स अंडर फॉरेन, ये भी मालूम डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो हम लोग ने देखा भी था। व्हाट इज द डीम एक्सपोर्ट्स? डीम एक्सपोर्ट का मतलब ये था कि अगर आप इधर इस समय इंडिया में हो, ओके, या गौरव यू विल गेट इट। अगर आप इस समय आप इंडिया में हो, ओके, और आपने SEZ में अपनी एक यूनिट रखी है, दुकान रखी है, ओके, इस समय लेट सपोज आप मुंबई से, मुंबई के SEZ सीप्स में हैं, तो सीप्स में माल बेचते हो और सीप से एक्सपोर्ट करते हो, तो आपने माल आज भेजा, आपने माल आज भेजा, आपके लिए एक्सपोर्ट्स आज ही हो गया, इट इज डीम्ड एक्सपोर्ट। जबकि सीप्स वाला अभी 2 हफ्ते के बाद माल निकालेगा, तो उनके लिए एक्सपोर्ट्स कब होगा? 2 हफ्ते के बाद ना। लेकिन आप एक्सपोर्ट्स का बुक करोगे आज, जब आपका माल सीप्स में जा चुका है, SEZ में जा चुका है। तो डीम एक्सपोर्ट क्या रहता है? डीम एक्सपोर्ट का मतलब होता है जहां पे डीम पर्सन, जो कंपनी है, जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आती है, जब वो माल बेचती है किसी SEZ के अंदर, तो उसके लिए एक्सपोर्ट आज ही होगी। तो GST के क्रेडिट रूल के हिसाब से एनी आइटम फॉर एक्सपोर्ट और फॉर डीम एक्सपोर्ट इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम GST। ओके, ये तो आपने GST में भी पढ़ लिया होगा, गुड्स मेंट फॉर एक्सपोर्ट्स, हाँ वर्ड याद आते हैं। तो गुड गुड्स मेंट फॉर एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स मेंट फॉर डीम एक्सपोर्ट्स आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ CGST एंड IGST और इवन SGST। ओके, तो उसके ऊपर GST के नॉर्म क्वालिफाइड नहीं जो लगेंगे, प्रोवाइडेड वो नोटिफाइड रूल्स होने चाहिए। और अगर आपने एक्सपोर्ट्स के लिए किया है, तो आप उसको जैसे कस्टम्स मैन्यूअल के हिसाब से एक्सपोर्ट क्लियरेंस लोगे, आप GST भी सबमिट करो, आपके अगर ड्यूटी पे किए तो रिफंड मिल जाएगी, नहीं तो नहीं करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर? वो GST या 3B फॉर्म में लगाना पड़ता है कि हाँ, सो एंड सो एक्सपोर्ट्स के लिए था, इसलिए ड्यूटी नहीं पे कर। ठीक है, देन व्हाट इज मेंट बाय ODI? ये तुमको मालूम है, व्हाट इज मेंट बाय ODI? ओडीआई ओह हाँ, सॉरी, व्हाट इज रेगुलेटरी एंटिटीज इन दिस थिंग? बोलो क्या होती है? सेक्शन 12, बैंक, इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑल रेगुलेटरी एंटिटीज, लाइक एनी काइंड ऑफ बैंक। बैंक कैन बी प्राइवेट बैंक, लोकल बैंक, नाबार्ड, रूरल रिप्रेजेंटेटिव बैंक, और एनी काइंड ऑफ बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, और एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, और एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइक बैंकिंग में और भी आती है, NBFCs कैन बी कवर्ड, आदू फाइनेंस कॉर्पोरेशन कैन बी कवर्ड। ओके, ये सब एंटिटीज रेगुलेटेड एंटिटीज है। आप अगर बैंक इंश्योरेंस कंपनी में लिखते तो भी समझ में आता है। ओके, दीज आर ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज। ओके, और उसके साथ और क्या लिख सकते हो? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दो। PFI का डेफिनेशन मालूम है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मर्चेंट बैंकर्स भी रेगुलेटेड एंटिटी। जिससे भी PMLA में रिपोर्ट फाइल करनी है, वो 3 कैटेगरी में आता था, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके, और इंश्योरेंस सेगमेंट। तो उनके सारे एग्जांपल्स आपके रेगुलेटेड एंटिटी। पहले ना बैंक लिखने का, फिर हाँ, बोलो तो बैंक के एग्जांपल लिखते हैं, उसकी प्राइवेट बैंक, इंडिविजुअल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, अर्बन बैंक, रूरल बैंक, मर्चेंट बैंक, हाँ, पॉइंट। इंश्योरेंस कंपनी, ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, और LIC कॉर्पोरेशन, और एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस इन अ प्राइवेट सेगमेंट, और एनी हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, इस तरह ओवरसीज बैंक। यहाँ पे कहाँ पे हम लोग बैंक का लाइसेंस, तुक्का मतलब ये कहना चाहते हैं अमेरिका का बैंक, तुझे भी मेरा लाइसेंस लेना होगा। ओके, तेरे तुक्के के वैसे एग्जाम वाला परेशान भी हो सकते हैं। ठीक, पेपर चेक करने तो व्हाट इज मेन बाय ODI? ओके,
कभी कभी आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में जहां पे आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आंसर्स आपको मिलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है. तो जस्ट अप्लाई योर माइंड, दैट इज मोर देन ओके. एंड इफ यू कांट, मजा आएगा आपको. सो व्हाट इज मेंट बाय ओडीआई? वेल, ओडीआई के अंदर या ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में क्वेश्चन था योर अफेयर. हाउ इज द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर द बेनामी? दैट इज आल्सो अफेयर. कोई भी मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बेनामी होगा तो अटैचमेंट होता है, आईयू आता है, उसको अटैच करके रखता है, वो तब तक गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में पड़ा रहेगा जब तक केस चल रहा है वो. इस व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एलएलपी, ये भी अभी आपको समझाएं. ओके, एंड इसके नीचे फिर डेडिकेटेड क्वेश्चन पार्ट टू, 40 मार्क का. ओके, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 1 केस स्टडी होगा. इस पर इन्होंने यहाँ पे जो केस स्टडी दी थी वो था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. जोग्राफिकल तो दार्जिलिंग नाम से टी की बोर्ड के ऊपर का केस हुआ था, और आईटीसी लिमिटेड एक कंपनी का नाम है जो आईटीसी आशीर्वाद आटा बनाता है. तो आईटीसी क्या पूछ रही है? आशीर्वाद आटा बनाता है कंपनी का नाम है. तूने आईटीसी कंपनी है ना, पढ़ा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, तो आईटीसी ये लिमिटेड देख ना पढ़ा, लिखा हुआ है नाम, मैंने पहले ही बोला था आईटीसी कंपनी पुराना नाम है। इंडियन चलो दूसरा क्वेश्चन, इंडियन टोबैको. चलो दूसरा क्वेश्चन था, समझ गया हम लोग को, गया समझ गया था ना। हाँ हम तो आशीर्वाद सर, फोर्थ आप ये सारे थे तो थर्ड क्वेश्चन फोर्थ था. व्हाट इफ आईटीसी लिमिटेड हैज बीन ऑपरेटिंग एंड यूजिंग दार्जिलिंग लॉन्च लॉन्ग बिफोर द अनेक्समेंट? तो अरे, तो अगर वो बहुत साल पहले से यूज कर रहा था, ऑनेस्ट एंड कॉन्करेंट यूजर का बेनिफिट मिल जाएगा. दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट आने से पहले ही अगर वो ऑलरेडी इस काम में चल रहा था. अब ये आया था ज्योग्राफिकल 1999 में, अगर दार्जिलिंग का प्रोडक्ट वो ऑलरेडी इतने सालों से चल रहा था तो डेफिनेटली उसको पूरा फायदा मिलेगा क्योंकि उसी के नाम पे जाएगा. बराबर, ये तो अपने ट्रेडमार्क में भी पड़ा है, ऑनेस्ट एंड कॉन्करेंट यूजर. मैंने बताया था कि पुराना 1970 में वो दुकान और एक अभी की दुकान दोनों का नाम एक जैसा, तो पुराने वाले को बेनिफिट तो मिलेगा ना क्योंकि उसने एक्ट आने के पहले से चल रहा है वो. नए वाले ने पूरा रजिस्ट्रेशन करा है, पुराने ने नहीं भी करा है तो भी पुराने वाले को उसकी दुकान का नाम चेंज नहीं करना पड़ेगा. ये नए वाले के साथ पार्टी थी ना, तो क्योंकि अभी तुम नया बॉर्न हुआ तो तुम्हारे किस्मत में तो ये बोलना चाह रही है कि मेरा नाम कोई और पुराना वाला रख ही नहीं सकता. वही तो। क्लियर? सो इन दिस केस आपको नया नाम मिल गया, आप ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड ग्रो करो, पुराने वाले को फिर भी रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन रहेगा. बस ये साबित करना कि पुराने वाले को नए वाले के बारे में कुछ पता नहीं था या उसको कभी नॉलेज भी नहीं थी कि ऐसा कोई नया एंटिटी सेम नाम से आ चुका. ओके, तब हमने एग्जाम्पल लिया था जॉय लेकर्स एंड जोग लेकर्स. ओके, उसी तरह अगर आपका यहाँ पर आईटीसी के अंदर दार्जिलिंग लॉन्च करके ऑलरेडी उसका चल रहा था, 1999 के पहले चल रहा था ट्रेडमार्क, तो ये मार्क जो दार्जिलिंग से जुड़ा हुआ था वो बिजनेस नेम के साथ है, तो एक्सक्लूसिविटी तो कभी नहीं देगा, बट यस उनका राइट है. विल इट गिव देम एक्सक्लूसिविटी? आई वुड नॉट से दैट विल एवर गिव देम एक्सक्लूसिविटी, क्योंकि दार्जिलिंग किसी एक का नहीं. आप दार्जिलिंग लॉन्च नाम यूज कर रहे हो लेकिन दार्जिलिंग किसी एक का नहीं, वहां पे दार्जिलिंग में टाटा वाला भी बना रहे तो वो भी नाम रख सकता है. ओके, क्लियर? तो एक्सक्लूसिविटी नहीं है, लेकिन हाँ ट्रेडमार्क के नाम पे आप ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं. समझा? बाकी ये पूरा पेपर आपको चाहिए तो मैं आई विल सेंड यू द आंसर्स. हाँ, हाँ, इसमें कुछ खास नहीं. बोलो के लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दीजिए, बोलो. सिक्स ए का फोर्थ एंड ऑनलाइन में भी किसी को पूछने का तो बताओ, 6A का कौन सा होता है? वाला। 6A का ROC, दैट इज रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट, हाँ शैल हैव पावर ऑफ सिविल कोर्ट व्हेन ट्राइंग एलाबोरेट द कंटेंट. सिविल कोर्ट के पावर क्या है? टू समन एन एग्जामिनर ऑन ऑथ, एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस, टेक ऑन ऑथ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं, आस्क ऑन एफिडेविट्स. याद है, इतनी बार पढ़ चुकी है तू. नहीं तो याद? उसको क्या बोलते हैं? एग्जामिनेशन ऑन ओथ कितनी बार पढ़ चुके हैं? समन्स एनी पर्सन, एग्जामिन दैट पर्सन ऑन ओथ, रिक्वायर एफिडेविट ऑफ एविडेंस, रिसीव एविडेंस, इश्यू कमीशन,
आज एनी विटनेस टू अपियर बिफोर अस, ये सब पार्ट आपने कॉम्पिटिशन एक्ट में पढ़ा है, आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ लिया है, आपने फेमा में पढ़ लिया है, और आप कॉपीराइट में भी पढ़ चुके हो, और अब आप इधर भी पढ़ रहे हो। पर ये पावर आपने कभी ध्यान नहीं दी। अभी आपको रेरा में भी बताया सेम पावर दिखे, सीपीसी के पावर्स, उसको इम्पोर्टेंट में भी मार्क किया हमने, सेम डिटो पावर्स। और ये वाला भी एक्सप्लेन करो ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 का डी वाला, सिक्स का डी, ये ना व्हाट आर एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल। अरे अगर तुझे किसी का ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क ही हाँ ट्रेडमार्क ही, तो ट्रेडमार्क के लिए तेरे को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अगर तू किसी का ट्रेडमार्क है तो दूसरे की कॉपी नहीं करें। दूसरी बात, अगर तू कभी ट्रेडमार्क अप्लाई कर रही है तो ट्रेडमार्क कोई टाइप की क्वालिटी नहीं हो सकता। जैसे मैंगो बेचने के लिए तेरा ट्रेडमार्क मैंगो नहीं हो सकता, शुगर केन बेचने के लिए तेरा ट्रेडमार्क शुगर केन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तेरा ट्रेडमार्क शुगर केन है तो दूसरा शुगर केन कैसे बेचेगा। बराबर, द काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो तेरा ट्रेडमार्क ये नहीं कर सकता माई ट्रेडमार्क इज स्वीट, भाई दूसरे का प्रोडक्ट क्या स्वीट नहीं हो सकता। माई ट्रेडमार्क इज ब्यूटीफुल, तो क्या दूसरे का प्रोडक्ट ब्यूटीफुल नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट ग्राउंड का मतलब है एब्सोल्यूट मतलब जिसे देखते ही रजिस्ट्रार पेपर फाड़ के फेंक देगा कि ये क्या मिला है, ट्रेडमार्क तो कॉपी है, अच्छा समझा। एब्सोल्यूट रिफ्यूजल, फिर समझना चाहिए तो ओके समझा, कस्टमरी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था, मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा है कटिंग चाय। अब कटिंग चाय के अंदर चाय तो कोई भी कॉमन वर्ड है, कोई भी रख सकता है। हमने नाम रखवाया था भाभी जी, तो अलाउड नहीं है, ये कस्टमरी लैंग्वेज में है। ओके, कल को आप बहन जी ये सब नाम रखोगे तो हाउ कैन यू गेट अ ट्रेडमार्क, इट्स अ वेरी कस्टमरी वर्ड। ओके, कई लोग जीजा जी भी नाम रखते हैं। अब इसने एक नाम रखा है मान्यवर, ओके अब ये कस्टमरी लैंग्वेज है ना, मान्यवर आइए तो ये कस्टमरी लैंग्वेज है। आप यूपी साइड जाइए, कई लोग उर्दू में बोलते हैं हुकुम, तो वो भी कस्टमरी लैंग्वेज है। हुकुम तो राजस्थान बोल, लखनऊ में भी होते, आओ कभी लखनऊ। तो सर लेकिन फिर भी दुकान होता है आप बोलते हैं तो वो एक्सक्लूसिविटी नहीं मिलती है ना, एब्सोल्यूट राइट तो ना मिलेगा उस पे, समझा। ठीक है, क्या ऑनलाइन में और कुछ पूछने का है किसी को? ठीक है, कोई कुछ मंत्र है दोस्त हाँ फोन स्टार्ट कर करें, लो, बोला क्या होगा सर कुछ नहीं ना, उससे इतना कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि कुछ नहीं आता। नहीं ठीक है, चलो, पढ़ने का मोटिवेशन यही होगा कि आपको पढ़ना ही पड़े, नहीं इसके जगह आप, हाँ वो कर सकती है कि हर दिन अपने नाम के आगे सीएस लिख के पेज के सामने रख, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि अगर ये मेरे नाम के आगे चाहिए तो मुझे पढ़ना। ओके, और अगर अच्छा मोटिवेशन चाहिए तो एक काम किया कर, रोज रात को सोने से पहले ये सोचो कि अगर आपका सीएस हो गया तो आपको क्या, जो जो लाइफ आप इमेजिन करना चाहते हो वो इमेजिन करो, तो आपको पढ़ने का मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल पे।